इज समथिंग डिफरेंट। तो उसमें ऐसा था कि मैंने उर्दू इसलिए ऑप्ट किया इन सब वजूहात के मौजूदगी में, बिकॉज मेरा एक एक्सपोजर उर्दू लिटरेचर से था बींग अ राइटर, पहली बात। दूसरा ये कि मेरा बैकग्राउंड जो था एजुकेशनल, वो अकाउंटेंसी का था, सीए का था, लेकिन उसके साथ मैंने मास्टर्स यूं ही अपने पैशन में कर लिया था। तो वो मास्टर्स का जो एक्सपीरियंस था उर्दू लिटरेचर में, वो मेरे लिए बहुत आसान रहा था। वो बस घर बैठे ही प्राइवेट एडमिशन भेज के कर लिया था, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस था कि उर्दू इतना भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड कभी ऐसा उर्दू का नहीं रहा। वही जो मैट्रिक और इंटर में हम ओके समवन सेड देयर इज नो वॉइस, प्लीज कोई और कंफर्म मुझे करेगा कि इफ आई एम ऑडिबल। मैम, ये उसके एंड पे इशू है, आप प्लीज कैरी ऑन करें, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अच्छा, सो अब ये था कि उर्दू, मास्टर्स इन उर्दू का बैकग्राउंड था, फिर बीइंग अ राइटर उर्दू के साथ एक एक्सपोजर था। तीसरा ये कि somehow आई न्यू कि स्मार्ट वर्क इसमें कैसे करना है, बिकॉज बहुत कम टाइम था, एडमिशन चला गया था, आई थिंक आप लोगों के पास भी कोई 1-1.5 महीना इतना ही कुछ रह गया है। उसमें ये था कि इफ आई गॉट 73 मार्क्स, तो थोड़ा सा रोल तो ये था कि मेरा एक इंटरेस्ट था, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि सब लोगों का ये इंटरेस्ट नहीं होता, और इसको एकदम से डेवलप करना, इस चीज को एब्जॉर्ब करना इज नॉट इजी। तो अब मैंने, जब मुझे बताया गया कि ये सेशन है, तो मैंने यही सोचा कि अगर रियलिस्टिक उसमें देखा जाए, तो इफ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन उर्दू, अगर पोइट्री आपके ऊपर से गुजर जाती है, ये सब है, तो इसके बावजूद भी देर इज नो इश्यू इन प्रिपेयरिंग फॉर उर्दू सब्जेक्ट इफ इट्स कंपल्सरी, तो ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, बल्कि ये उससे ज्यादा आसान है। बात यही है कि आपको यही पता होना चाहिए तो ये बात हो रही थी कि आप लोगों का जो सारा आप लोगों का सिलेबस है, वो बहुत आसान है एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू हैंडल। तो ये मैंने एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन बनाई थी, आई थिंक आई एम अलाउड फॉर द स्क्रीन शेयरिंग, मैं चेक कर लेती हूँ, बस मैं 1 मिनट में ये स्क्रीन आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये 5 या 6 स्लाइड्स हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऑलरेडी इसका उर्दू का एक बर्डन होता है सब पे, तो आई वॉन्टेड कि बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्टकट से वे में आपको इतना बताओ कि आप इजीली इसमें स्कोर कैसे कर सकते हैं। बासित, ऐसा है कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, तो आप स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें या मुझे को होस्ट वगैरह बना दें, तो आई वुड बी एबल टू शेयर माय स्क्रीन। मुझे 1 मिनट दीजिएगा मैडम, मैं कर रहा हूँ। तो गाइस, आप जितने भी लोग इस वक्त प्रेजेंट है ना, यू आर मोर देन 100, आप लोग एक बात तो ये जहन में बिठा लें कि उर्दू इज द इजिएस्ट थिंग यू कैन प्रिपेयर फॉर, ये बहुत आसान है। मैं बल्कि टॉपिक्स निकाल रही थी आपके सिलेबस और पास पेपर्स को देखते हुए,
आठ या दस मैक्सिमम टॉपिक्स बनते हैं जो आपने कवर करने हैं, और उसके बाद अपनी स्टोरियां अंदर लिखनी है। ये बहुत आराम से हो जाएगा, हमने भी ऐसे ही किया था, और ऐसे करके आप लोग भी इजीली इसमें मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। आई थिंक 7 to 8 पीपल्स आर। अच्छा ठीक है, सो आई थिंक आई एम एबल टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। यस, मुझे कोई चैट बॉक्स में बस बता दे कि ये विजिबल है आप लोगों को, एक प्रेजेंटेशन का ये फॉर्मेट सा, उर्दू फॉर कंपिटिटिव एग्जाम। कि आप लोगों को हिस्ट्री के ऊपर और हर डायमेंशन में माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगी गाइस, अगर ये दोबारा से, अभी हॉस्टल का इंटरनेट है ये ऐसे ही चलेगा। हम एडमिट कर लें कुछ लोगों को जो वेटिंग रूम में हैं। ओके, तो हिस्ट्री पे आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है वो 35 मार्क्स का, आपको एक या दो जैसे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर ऐसे आप लोगों का आता है वो 25 मार्क्स का है, तलखीस करने के लिए आती है, कोई भी आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसको आपने। ओ नाइस, समवन हैज स्टार्टेड एडिटिंग इट। एनीवेज, उसके अलावा आप लोगों ने शेर और नसर की तशरीह करनी होती है, तो वो तशरीह में हाँ प्रॉब्लम ये आता है कि किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है, और आपको कैसे पता चलेगा किस शायर की है, शायर का नाम लिखना, ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा 35 मार्क्स का आपके लिए क्वेश्चन जो आता है वो आपको डिफरेंट पोइट्स का या डिफरेंट ऑथर्स का जो आपके सिलेबस में है, उससे बाहर ऑब्वियसली नहीं, उनका आता है आपको कि आपने उनके काम का तनकीदी जायजा, या उनकी किसी किताब का या उनकी किसी अफसाने का एक तनकीदी जायजा करना होता है। सो ये 150 मार्क्स का आप लोगों का पेपर बनता है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तारीख वही है जो आपने थोड़ी बहुत चीजें उसमें याद कर लेनी है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा आप लोगों का ऐसे राइटिंग वगैरह है, इसको भी डिस्कस करते हैं। मैं साथ साथ जो लोग वेटिंग रूम में हैं वो ऐड करती जाऊँ। अच्छा, सर बेसिकली जो टिप्स है ना पेपर अटेम्प्ट करने की, वो वही है जो दूसरे पेपर अटेम्प्ट करने की होती है। उर्दू में ये है कि जाहिर है एक नफीस सी जुबान है, उसमें सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा वो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन है। साफ सी बात है, जो FPSC के एग्जाम्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट लेवल के हमारे एग्जाम्स हैं, उनमें हमारी प्रेजेंटेशन देखी जाती है। आप लोग ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर यूज करें, प्रॉपर लाइंस लगा के, हेडिंग्स देकर, ये आप लोग काम जरूर करें। ये एक एड ऑन होगा और ये डेफिनेटली आपके मार्क्स में जो है वो एक किसी ने सिंपल सा लिखा, ये वही टिप्स हैं जनरल जो आप बाकी सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। उर्दू में इसको थोड़ा सा ज्यादा करना होगा क्योंकि उसके उर्दू के फॉन्ट की एक डिमांड है कि खुश खत हो और खूबसूरत लगे। तो सबसे पहले तो आपने प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है कि आपने बहुत अच्छा, कुछ नहीं भी आता ना तो आपने उसको सजा कर लिखना है, पहली तो टिप ये है। सेकंड ये है कि स्पेसिफिक टर्म्स और जार्गन्स, आपको पता है हर लैंग्वेज के हर सब्जेक्ट के होते हैं। अगर आप लॉ करते हैं तो आपको पता है कि आपने लॉ पढ़ते वक्त उसके स्पेसिफिक जार्गन्स का ख्याल रखना है, और आपने उसको उसी तरह से करना है। इसी तरह से आप जब अदब पे बात कर रहे हैं, उर्दू को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना और चीज है, एज लिटरेचर उसको देखना एक डिफरेंट चीज है। तो जब आप लिटरेचर देख रहे हैं और लिटरेचर के ऊपर आप रिव्यू कर रहे हैं, क्रिटिकली उसको देख रहे हैं, तो फिर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आपको यूज करनी आनी चाहिए। वो 20 से 22 टर्म्स मैंने निकाली हैं, आप उनका रटा लगा लें एक बार, और आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना, आप कहीं भी घुसा देंगे ना ये टर्म्स, तो एग्जामिनर को उससे ये जेस्चर मिलेगा कि यस दिस पर्सन नोज इट, उसको ये पता है कि क्या है, क्योंकि ये टर्म्स उसी को ही आ सकती हैं जिसने लिटरेचर को थोड़ा डीपली स्टडी किया हुआ हो। तो ये एक टिप है कि वो अगली स्लाइड में मैंने वो टर्म्स ऐड की हैं, आपने उनको किसी पोइट्री पे कमेंट कर रहे हैं, किसी नसर पारे पे कर रहे हैं, प्रोज के किसी पैराग्राफ पे कर रहे हैं,
तो आप उसको अपने क्वेश्चन में जरूर वो टर्म्स को ऐड करें. वो दो से तीन टर्म्स देखकर ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि ठीक है इसको आता है और ये इसका पेपर इज समथिंग डिफरेंट. तो आगे क्या है, हाँ आउटलाइंस हर क्वेश्चन की आप जरूर बना लें. एक मिनट में यहाँ पे एडमिट कर लूँ कुछ लोगों को. एंटर ठीक है. तो थर्ड पॉइंट क्या है कि आप लोगों ने हर क्वेश्चन की आउटलाइन जरूर बनानी है. फॉर एग्जांपल वो कहता है कि फैज़ अहमद फैज़ की किसी किताब या ओवरऑल मजमूए का या सरेवादी सीना फॉर एग्जांपल फैज़ की किताब है तो उसका आपने फिक्री जायजा लिखना है या तनकीद या कुछ भी करना है उस पर. तो आप आउटलाइन जैसे आप ऐसे की आउटलाइन आप हर क्वेश्चन को सेपरेट ऐसे कंसिडर करें. आप इसकी प्रॉपर आउटलाइन लिखेंगे, 6 या 7 बुलेट्स भी उसमें हों तो काफ़ी हैं. आपने उसमें प्रॉपर लिखना है कि फैज़ अहमद फैज़ तारुफ इब्तदाई जिंदगी, क्योंकि एक शायर का जब आप एक पूरा तनकीदी जायजा ले रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किन हालात में रहा, कहाँ कहाँ से गुजरा, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, घर का माहौल कैसा था. तो ये 5 से 6 तो शायर हैं और ये ईजी है, इसके तो नोट्स भी ईजिली अवेलेबल हैं. तो आपने इंट्रोडक्शन से शुरू करें, इब्तदाई हालात लिखें, फिर शायरी की इब्तदा लिखें, फिर शायरी का रंग एक होता है हर शायर का इस पर बात करेंगे, वो उसका बुलेट एक लिखें और एंड पर आपने एक हासिल कलाम एक कंक्लूजन अपना ओपिनियन या राय या हासिल कलाम ये आपने ज़रूर देना है. ये आपने हर ऐसे क्वेश्चन में करना है, इवन ऐसे में भी आप इसको कर सकते हैं. ये एक एड ऑन होगा अगेन आपके पेपर की प्रेजेंटेशन में. अच्छा इसके अलावा रेफरेंसेस और अशार. अच्छा अब ये जाहिर है हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, उर्दू लिटरेचर में वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कोट अशार एंड रेफरेंसेस. उसके लिए आप क्या करें कि यार 5 ही तो आपके शायर हैं और 5 से 6 आपके नसर निगार हैं, जैसे यूसुफी है इतना बड़ा नाम है सबको पता है. और इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि आप 5 से 10 ये शेर, कोई एग्जाम्पल नासिर काजमी के 2 से 3 शेर, बस फैज़ अहमद फैज़ के 2 से 3 शेर आपने एक पेपर ही अटेम्प्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नासिर काजमी पे एक ही सवाल आ सकता है. तो बहुत जनरल से जो अशार हैं उसकी आई कैन मेक अ लिस्ट फॉर यू, मुझे टाइम नहीं मिला वरना मैं ये भी आप लोगों के लिए बना देती हूँ इंशाल्लाह. नेक्स्ट टाइम बना के मैं बासित के साथ शेयर भी कर दूंगी कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें. आपने ये 4 से 5 मैक्सिमम 10 डिफरेंट पोइट्स जो आपके सिलेबस में हैं उनके अशार आपने याद कर लेना है, एक बार करट्टा लगा लेना है और वो रेफरेंसेज इस तरह के किसी के नसर की एक लाइन है, यूसुफी का कोई ऐसा जुमला है, कोई अदब के बारे में कुछ ऐसा है, वो आप लोगों ने कोट कर देना है. नहीं भी हो रहा ना वहां पे कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा तो घुमा फिरा के बना ले कॉन्टेक्स्ट और उसके अंदर डाल दे. मैंने तो यही किया था एग्जाम में. सो ये बेसिक टिप्स थी बस प्रेजेंटेशन का. आपने ख्याल रखना है स्पेसिफिक टर्म्स उर्दू की यूज करें, एग्जामिनर को बताएं कि येस आई नो अबाउट द लिटरेचर. आउटलाइन हर क्वेश्चन की जरूर दें और येस कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर के साथ आप आजकल के शायरों के आपको नाम जरूर आने चाहिए बिकॉज सारी दुनिया जानती है कि कोई देर वो सम इकबाल फैज़ ये और आपके सिलेबस में भी वही हैं. लेकिन आपको जो कंटेम्प्रेरी जो मंजरनामा है ना उस पर नज़र भी बहुत ज़रूरी है और वो भी आपके पेपर को डिफरेंट बनाएगी. क्योंकि आप देखें कि इकबाल को हर कोई रट्टा लगा के याद करके आया होगा क्योंकि सिलेबस में है और एक्सपेक्टेड है. फैज़ को, नासिर को, मजीद अमजद हैं, इनको सब याद करके आए होंगे. लेकिन आपका पेपर डिफरेंट कैसे बनेगा कि आप अगर अपने कॉन्टेम्प्रेरी जो आपके पोइट्स हैं या नसर निगार हैं उनकी भी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर लूंगी. मैं नोट कर लेती हूँ ये दोनों चीजें कि अशार और कोटेशंस थोड़ी सी और ये कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्स की लिस्ट. तो इनके नाम आप कोट करेंगे और जहां भी इस तरह के नाम कोट करें वो आप ब्लू मार्कर से कर लें. अच्छा ब्लू मार्कर से भी नहीं करना, आप अपने फ्लो में लिख रहे हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते उसको बाद में, या लिखते हुए अंडरलाइन जब बिल्कुल टाइम नहीं बचता था मेरे क्वेश्चन का, मैं कोई ऐसी बात करती थी जो मुझे पता होता था कि ये बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं लिखी हुई होगी तो मैं उसी पेन से उसी पॉइंटर से उसको नीचे डबल लाइन करके ना अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट कर देती थी ताकि एग्जामिनर जल्दी में भी चेक कर रहा है तो उसकी उस पर नजर जरूर पड़ जाए कि यस शी हैज रिटन समथिंग डिफरेंट. अच्छा उसके बाद एक मिनट कुछ लोगों को ऐड कर लें हम अपने साथ. माई स्लाइड्स आर नॉट मूविंग. ओके अच्छा अब ये स्पेसिफिक वोकैबुलरी है. आई नो इट्स नॉट मे बी वेरी इजी फॉर द वंस हु डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन उर्दू, लेकिन अगर आपने एक देखें 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है और आपने उसकी तैयारी करनी है उसमें जिसमें जनरली मार्क्स कम भी आते हैं तो ये एक शॉर्टकट है तो आप मान लेंगे तो अच्छा होगा. अब देखें इर्तका का सवाल आता है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इर्तका क्या होता है, तरक्की करना, एवोल्यूशन.
ठीक है, फिर तसनीफ बार बार आता है, तसानीफ, आपकी इतनी तसानीफ की, अगर आप सिंपल उर्दू लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि जी आपकी इतनी किताबें हैं, फैज अहमद फैज की फॉर एग्जाम्पल 5 किताबें हैं, तो आप उसके बजाय लिखेंगे इतनी तसानीफ हैं, तो ये एक बेटर इम्पैक्ट। उसके अलावा फिर ये है कि सिन्फ, जैसे शायरी उर्दू अदब की एक सिन्फ है, तो हम वोकेबलरी से उर्दू के इतना कंपेटेबल नहीं होते, इतने फेमिलियर नहीं होते, तो एग्जाम लिखते हुए ना इस तरह की चीजें हमारे जहन में नहीं आती, तो हम बहुत सादा और बचकाना जुबान लिख जाते हैं जो कि लिटरेचर में इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप बहुत सादा जुबान में लिखें, देर इज नो इश्यू, लेकिन आप 5 से 6 टर्म्स इनमें से यूज कर लेंगे पूरे पेपर में भी, हर क्वेश्चन में एक एक दो दो भी कर लें, तो इससे इम्पेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे डिफरेंट मैगजीन्स आते हैं, 3 से 4 आप गूगल भी कर लें कि उर्दू अदब के कौन से तारीखी फनून और इस तरह के 3 से 4 मैगजीन्स हैं, तो वो उसको आपने जराइद कहना है या जरीदा, फिर जराफत, आपको आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमर जो है उर्दू लिटरेचर का, उसको जराफत कहते हैं, मजाह, जराफत। फिर कंटेम्प्रेरी अदब, मुआसिर अदब, आप कोई भी क्वेश्चन लिखें तो आप मतलब गजल के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मुआसिर अदब में हम देखें तो ये फॉर एग्जाम्पल पोइट्स हैं, तो ये पेपर चेक करने वाले पे इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि मतलब ही नोज अबाउट द मुआसिर अदब, मुआसिर असर जमाने को कहते हैं, मुआसिर यानी करंट जमाने का अदब। फिर क्लासिकल शायरी की अगर बात हो रही है तो अवाइल की शायरी, फिर अच्छा डिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोव ये आपको हर सवाल में हेल्प करेगा। अच्छा ये क्वेश्चन आता है ना कि शेर आपको 5 दिए हुए और आपने उसके शायर का नाम आपको नहीं अब समझ आ रहा, जाहिर है कि यू आर ब्लैंक, आपको क्या पता भी गालिब का कौन सा, मीर का कौन सा है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि हर शायर का अपना एक डिक्शन होता है, हर शायर का अपना उसलूब। इसलूब क्या है कि एक पर्सनालिटी है ना हर एक की, एक इनफरादियत, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, तो वो उसकी शायरी में भी नजर आ रही होती है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे ना, आपको 5 या 6 लोगों पे ही तो गौर करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ पोइट, मुझे तो पूरे अदबी मंजरनामे पे गौर करना पड़ता है कि कौन बंदा कैसे लिख रहा है या कौन कैसे लिख गया है और उससे हटकर कैसे लिखना है। आप लोगों के लिए आसानी है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वन पेपर ओनली, तो और आपको उसके लिए मतलब यू हैव बिन गिवन अ सिलेबस और उसके अंदर 4 से 5 लोग हैं। अब आप देखें कि मीर, गालिब फॉर एग्जाम्पल, फैज, नासिर काजमी, हर एक का अपना अपना एक उसलूब है, और ये कोशिश करें कि जो उसलूब का लफ्ज है ये आप यूज करें इन इन शोरा पे बात करते हुए कि इनका कैसा उसलूब था। उसलूब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मीर और गालिब, आपको शेर सामने आया ना, मुझे याद है कि उर्दू के एग्जाम में 5 शेर आए और उसमें लिखना था शायर का नाम, तो मुझे किसी एक का भी ना कंफर्म नहीं था कि यही पोइट है, तो मैंने जब घर आके गूगल किया कि मैंने ठीक लिखा है या गलत, तो मैंने 5वां शोरा के नाम ठीक लिखे हुए थे। अब वो ठीक मैंने कैसे लिखे थे, वो सिर्फ इसलिए कि मेरी एक सेंस डेवलप हो गई थी कि उसलूब कैसे पकड़ना है, कि ये स्टाइल किसका है, उसलूब यानी स्टाइल। अब मीर तकी मीर क्या है, मीर तकी मीर का मुद्दा ये था कि उर्दू को फारसी से अलग किया जाए, इसको आसान रखा जाए, और मीर तकी मीर ने एक उदास शायरी की है, तो अब ये एक उनका एक डिक्शन बन गया कि सादा अल्फाज में आसान शायरी। अब फॉर एग्जाम्पल शेर आया कि शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। अब ये क्लिक कर जाता है कि यार ये पुराना सा स्टाइल है, आसान अल्फाज में है और सैड साइड पे है, तो ये गालिब नहीं हो सकता, ये मीर तकी मीर है। अब गालिब का क्या है, गालिब ने फारसी तरकीब बहुत यूज की है और थोड़ा ना तरकीब डिफरेंट डिफरेंट वो बनाते हैं, अपनी मिसरा अलग से है स्टाइल, इशरते कतरा है, इशरते दरिया में, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि अपने थोड़े से मुश्किल लफ्ज आ गए हैं तो ये गालिब है। थोड़ी सी बस ये सेंस डेवलप आप लोग कर लें कि थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा फैज का क्या है, इस तरह से फैज का एक अपना स्टाइल है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी हमें शायद अलग से बात करनी चाहिए, इसमें तो सब मिक्स हो जाएगा और आई नो बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन बस आप ये जहन में रखें कि आपके पास 4 से 5 शायर हैं जिनके जिन पर आपको सवाल आ सकता है, और उन सब का अपना अपना एक डिक्शन है, उनका अपना एक उसलूब है, अपना स्टाइल है, आपने एक बार वो समझना है कि क्या स्टाइल है उसका, वो लिखा हुआ चेहरा आपको खुद बता देगा, 80% तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ओके दिस इज नॉट मीर तकी मीर, ये गालिब का स्टाइल नहीं है, तब ये नासिर काजमी का नहीं है, तो इस पर भी हम बात कर लेंगे। अच्छा फिर डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं, तो आपको अक्सर क्वेश्चन आता है कि जी इस चीज के क्या मुहर्रिकात थे, तो अब जाहिर है बंदा वहीं पे सोच पे बैठ जाता है भाई ये मुहर्रिकात क्या बला है, तो
तो मुहरिकात कुछ भी नहीं है कि क्या मुहरिकात थे फैक्टर्स, तो आप ये अपने सवाल में भी लिख सकते हैं कि ये उस जमाना, फॉर एग्जाम्पल मंटो पे बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंस और वो वॉर सारा, इंडिपेंडेंस मूवमेंट और वो जो सब हालात चल रहे थे, ये मुहरिकात थे जिसने मंटो को ऐसा अदब तख्लीक करने पर मजबूर किया। तो ये मुहरिकात और इस तरह की टर्म्स अगेन विल गिव अ गुड इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर। अच्छा, फिर एक नुदरत ख्याल। अब ये एक बस आप एक इसको क्रैम से कर लें कि एक आपके ख्याल का एक रिफाइंड किस्म की थॉट्स, तो ये शायरी में जाहिर है कि ये होता ही होता है। तो आप किसी भी शायर के आप जब उसका डिस्कस कर रहे हैं या किसी भी नसर पारे का कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं कि जी उनके हाँ हमें नुदरत ख्याल मिलती है। तो अब चाहे आपको इसका मतलब भी क्लियर ना हो, लेकिन एग्जामिनर को तो समझ आ गई ना कि भाई ही और शी नोज की नुदरत ख्याल होती है शायरी में, मानी आफरीनी होती है, इस तरह के वर्ड्स। अच्छा, फिर नसर निगार, ठीक है, जब जो इस तरह के ये वर्ड्स हैं जो फौरन शायद ज़हन में नहीं आते, तो आपको तनकीद निगार क्या होता है, फिर बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, ये जाहिर है आप लिटरेचर पर बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सवाने उम्री कहते हैं बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को खुदनविश्त कहते हैं। तो ऑटोबायोग्राफीज की भी लिस्ट में आपको मुझे लगता है कि प्रोवाइड कर दूँ, हाँ मैं कर दूंगी बना के, ये 4 से 5 से 6 आप याद कर लें, बिकॉज ये आपके सिलेबस में नहीं है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप बातों में बात करते हुए कहीं आप लिख सकते हैं कि उर्दू अदब की मशहूर खुदनविश्त तसनीफात जो तसानीफ हैं वो ये हैं। तो अगेन आपको एक एड ऑन हो जाएगा ये। उसके अलावा जब आप मंजरनामे की बात कर रहे हैं, मंजरनामा क्या है, जो आपको सामने कॉन्टेम्प्रेरी लैंडस्केप नजर आ रहा है लिटरेचर का, उसमें कौन कौन लोग हैं। अब उसमें आप क्लियरली क्लासिक्स में देखते हैं तो आप पहले मीर तकी मीर नजर आते हैं, फिर हैदर अली आतिश आते हैं, फिर गालिब आते हैं, फिर आप इंडिपेंडेंस से थोड़ा पहले का मंजरनामा देखते हैं। तो मंजरनामा है कि एक इरा का एक लैंडस्केप, तो आप वो मंजरनामा देखते हैं जिसमें आपको ये नासिर काजमी, फैज अहमद फैज, ये मजीद अमजद, नूर मीम राशिद, ये सारे एक लैंडस्केप में आपको नजर आते हैं। अच्छा, उसके बाद मॉडर्निज्म। अब ये टर्म्स जो हैं इंटरनेशनल लिटरेचर के टर्म्स, आप जरूर यूज करें अपने लिटरेचर के पेपर में। मैं अगेन यही कहूंगी कि नहीं भी क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट आ रहा ना, आपको लग रहा है कि यार इसकी तो कोई तुक भी नहीं बन रही, इसको फिर भी अंदर ऐड कर दें। ये इस तरह की टर्म्स हैं मॉडर्निज्म, जदीदियत, ठीक है, और पोस्ट मॉडर्निज्म, माँ बाद जदीदियत, यानी जदीदियत से आगे की चीज़, तो माँ बाद जदीदियत, क्योंकि ये वो ये सारी थ्योरीज हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल लिटरेचर में बहुत बहुत काम हो रहा है, बहुत लिटरेचर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो है आपको हर हाल में इसमें से आप, मुझे तो लगता है कि सारे के सारे यू नो टर्म्स एक पेपर में अपने जरूर यूज करें, नहीं तो आधी तो जरूर करें, जहां नहीं भी होती ना वहां भी डाल दें इसको, ताकि एग्जामिनर को ये इम्पैक्ट मिले कि यार इसने पढ़ा हुआ है सो ही और शी नोज द टर्म्स। फिर स्टैटिक्स, हम नॉर्मली इंग्लिश में तो इस इन पे बहुत बातें करते हैं, लेकिन उर्दू में मतलब इससे जमालियात आपकी होती है, जो आपको जमालियात ही बताती है कि किस तरह से, क्या आप किसी भी पोइट के उसमें लिख देते हैं कि उनमें ये चीज बहुत थी, इन्होंने जदीदियत पे काम किया, ये माँ बाप जदीदियत, ये वो, तो किसी भी तरह से ये टर्म्स याद करनी है और स्टोरीज अपने पास से खुद बना के लिखनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आई होप समझ आ रहा होगा। इसमें ये है कि ये जाहिर है प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, तो ये तो आप ना रट्टा लगा लें इन टर्म्स का कि यार ये वाले जार्गन्स तो हमने जरूर यूज करने हैं। लेट मी एडमिट फ्यू पीपल हु आर वेटिंग। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड मूव क्यों नहीं कर रही, वेट। अच्छा, सो बेसिकली अब ये हैं टॉपिक्स जो मुझे लगा कि यही टॉपिक्स हैं कमोबेश जो आप लोगों ने कवर करने हैं, उर्दू जुबान के इर्तका का सफर। अच्छा, ये किताब में देखने में ना बहुत मुश्किल और बहुत कोई लंबी चौड़ी चीज लगता है, इट इज नॉट सीरियसली। उर्दू जुबान की तो तारीख इतनी छोटी सी है, इतनी लिमिटेड है कि मुगल एरा तक आप जाते हैं, अच्छा उससे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, तो दैट्स इट, यही 200-250 साल हैं जो आपने कवर करने हैं। इसको भी आप इस तरह से कवर करें कि किताबों के अंदर बहुत ये तो हेडिंग्स बनी हुई हैं कि यार यूं हुआ, पहले इसको रेख्ता हिंदवी कहते थे, हिंदू और पंजाबी हिंदवी जुबान का मिक्सचर, फिर इसको रेख्ता कहते थे, रेख्ता से ये उर्दू पे आया। तो ये बहुत आसान एक सवाल है, इस पर बहुत अच्छे नोट्स भी मिल जाते हैं। और यस, अगर आप लोगों को जहाँ तक किताब की बात है, तो वो उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जो है डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब है,
फिर इसी नाम से या मुख्तसर तरीन तारीख है, या मुख्तसर तारीख है, एक डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी की किताब है, वो इधर जीसी यू में लाहौर में प्रोफेसर हैं। वो किताब भी बहुत कंसाइज, बहुत आसान है और बहुत हाई फाई, उसमें भी ना वर्ड अजीबो गरीब से यूज नहीं किए हुए जो ऊपर से गुजर जाए। तो मुझे तो लगता है कि ये दो किताबें आर मोर देन इनफ। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने CSS के लिए उर्दू की तैयारी की थी तो आई डिडंट हैव एनी बुक एक्चुअली। मैं मास्टर्स के लिए भी नहीं गई थी, खैर मेरा हिसाब भी और था, मेरा एक पैशन भी था तो मेरे लिए आसान था। तो कुछ चीजें तो मैंने सिंपली गूगल ही कर ली थी, सिंपल गूगल किया, उसको विकिपीडिया पे जो भी मिला पढ़ लिया उसको। लेकिन बात यही है कि आपने जो भी पढ़ लिया, जो भी ऑब्जॉर्व किया, अब आप उसका आउटपुट कैसे देते हो, डिलीवर कैसे करते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो, दिस इज द मेन पॉइंट। और ऑनेस्टली लर्निंग यहाँ पे थोड़ी सी पीछे रह जाती है जब आपके प्रेजेंट करने की बारी आती है। आपको इतना सब याद है ना, आप उसको बहुत खूबसूरत वे में प्रेजेंट करें, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। सो उर्दू जुबान के इर्तका का सफर है, तो आप ये 3-4 पेजेस की हिस्ट्री हर जगह पे, हर किताब में उर्दू की अवेलेबल है, आप उसको एक बार पढ़ लें तो इट्स वेरी इजी, उसमें कोई मसला नहीं है। फिर इलाकाई और गैर मुल्की जुबानों के उर्दू पर लिसानी असरात, जाहिर आपने इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ी होती है, तो इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल कि हमारे बरे सगीर पर कहाँ कहाँ से अरब आ रहे हैं, हमले कर रहे हैं, फारसी हमारे बहुत करीब है, तो कहीं ना कहीं से जुबान ने वो असर भी पकड़ा। फिर जो इलाकाई जुबानें थी वहां का भी असर कबूल किया उर्दू ने। तो ये इस तरह के टॉपिक्स आपको आ जाते हैं, अक्सर मजमून आ जाता है लिखने के लिए इस पे, तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। थोड़ा थोड़ा सा आपने याद करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने तो पूरी वो जब किताब देखी और हिस्ट्री वाली चीजें पढ़ी थी तो एंड पे मेरे पास 6 या 7 पेजेस के, अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर में कहीं पता नहीं कहाँ होंगे और मेरा चक्कर लगना भी अभी मुश्किल है। तो वो 6 से 7 पेजेस थे, उसमें से आधे पेज पे उर्दू की हिस्ट्री लिखी हुई है उसके पॉइंट्स, तो बस लास्ट मोमेंट पे मैं वही रिवाइज करती थी। उसके बाद आगे लिसानी असरात हैं, तो वो भी 5 से 6 बुलेट्स हैं, उसमें वो कवर हो जाता था। और इस तरह स्पेस की शायरी है, उसके 7 से 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मीर तकी मीर के 7 से 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और वही आपने जाके हेडिंग्स के अंदर तो अपनी बोंगियां मारनी होती हैं, वो आप मार देते हैं। तो आई ट्राई टू फाइंड माई नोट्स, और अगर मुझे नहीं भी मिलते तो ये है कि वो उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जो किताब है उसमें ये बहुत इजीली अवेलेबल है। पहले दो वहां से हो गए, फिर उसके अलावा ये दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ की। अच्छा, मैं ज्यादा बोलती इसलिए जा रही हूँ, आई नो इट्स वेरी बोरिंग एंड इट्स वेरी ड्राई, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन ये है कि इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, तो अगर आप अभी पक भी जाएं सुन सुन के, तो बाद में मतलब यू कैन अगेन लिसन टू इट, तो आपको एटलीस्ट कुछ हेल्प कहीं ना कहीं से कर सकता है। सो अच्छा, तीसरा इसमें यह है कि दबिस्ताने दिल्ली और लखनऊ की बड़ी बात होती है। अभी इसका आप वर्ड भी लिख देंगे ना, एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जनरल स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं पता होती कि व्हाट इज दबिस्तान। दबिस्तान कुछ नहीं, एक स्कूल ऑफ थॉट था, एक दिल्ली का था, एक लखनऊ का था, और उसी को ही आगे लेकर फिर लिटरेचर चल रहा है तकरीबन अभी तक। दिल्ली वाला जो था उसमें ये था कि एक बड़ा रख रखाव था, बड़ी डिसेंट और मुश्किल वाली जुबान यूज की जाती थी, और लखनऊ वाला जो था वो खुला डुला था और बहुत उसमें थोड़ा शोखी थी, दिल्ली वाले में थोड़ा डाउन साइड थी। तो अगर आपको, आई होप प्लीज मुझे कोई चैट में बता देगा इफ आई एम ऑडिबल या डिस्कनेक्टेड। आई एम ऑडिबल, ओ ओके, थैंक यू। ठीक है, 2-3 बार डिस्कनेक्टेड हो गया है। तो अच्छा, तो इस तरह का वर्ड भी आपको लगे कि कोई शायर शायरी है ये वो, तो या कुछ भी नहीं, आपकी जुबान की हिस्ट्री भी लिख रहे हैं ना, उर्दू अदब का कुछ बता रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि दबिस्ताने दिल्ली से, यू नो कुछ भी नहीं, तो इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं कि दबिस्ताने दिल्ली और लखनऊ से होती हुई उर्दू जुबान आज मुआसिर अदबी मंजरनामे पर इस स्टेज पर खड़ी है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जनरल सी बात थी जिसमें आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि व्हाट इज दबिस्ताने दिल्ली या लखनऊ, लेकिन पढ़ने वाले को एक इम्पैक्ट मिल गया कि आपने एक अच्छा सेंटेंस लिखा है और आपको एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि दबिस्ताने दिल्ली और लखनऊ क्या थे। ये स्कूल ऑफ थॉट्स थे, दिल्ली का अलग था सैड और डाउन और एक डिसेंसी वाला, लखनऊ का जरा शोक और लाउड वाला। तो मीर नीस जिन्होंने इतना मरसिया निगारी वगैरह की है, वो जैसे दबिस्ताने लखनऊ के थे, दिल्ली से हमें मीर गालिब ये मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी लाइन में जिक्र भी कर देंगे ना तो अच्छा होगा। दूसरा, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपकी बुक पढ़े वहां पे, आप इसको पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, उसके अलावा उर्दू अदब की जो बेसिक तहरीक थी, तहरीकें थी, मूवमेंट्स थी, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। रोमानवी तहरीक, जो रोमांटिसिज्म की तहरीक मगरिब में चल रही थी, नॉर्मली हमने सारे असरात तो वेस्टर्न कल्चर और लिटरेचर से ही लिए हुए हैं मोस्टली,
तो हम उन्हीं को ही फॉलो करते रहे हैं लिटरेचर में भी, तो वहां पे रोमानवी तहरीक चली, तो यहाँ पे भी चल गई। ये भी आप बुक में, किसी भी बुक में इजीली आप उसका जो है वो डिटेल्स जो है पढ़ सकते हैं। फिर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो तहरीक थी, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, तो तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो तहरीक थी उसके बारे में आपको शायद क्वेश्चन आ सकता है, या हल्का अरबाब ज़ौक एक पूरी मूवमेंट थी इसके बारे में आ सकता है। तो तरक्की पसंद तहरीक भी यही थी कि उर्दू अदब क्या था शुरू से, उस पर एतराज़ ये होता था कि जी वो ई बुलबुल और ये और महबूब की जुल्फें, इन सब पे बात हो रही है, और लोग कहते थे कि जो आलमी अदब है, आलमी अदब का वर्ड भी यूज कर लीजिएगा पेपर में इंटरनेशनल लिटरेचर के लिए। अब आलमी अदब जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, उसमें जुल्म के खिलाफ बात हो रही थी, उसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी उर्दू में मजाहमत, मजाहमत पे बात हो रही है, और क्या क्या कुछ। और हमारा उर्दू अदब वही महबूब और लव स्टोरी से बाहर नहीं निकल रहा। तो उसके नतीजे में ये तहरीक आई थी तरक्की पसंद, नाम से पता चल रहा है तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक। एक प्रोग्रेसिव सोच थी कि जुल्म के खिलाफ बोलना है, आवाज बुलंद करनी है। उर्दू अदब सिर्फ नजाकत का और उसका नाम नहीं है, इससे हट कर भी मतलब जैसे हबीब जालिब ने लिखी चीजें, आपको आप समझ सकते हैं मजामत वाली चीजें किस तरह की हैं, और इस तरह की जो सारी मैं नहीं मानता, डरते थे बंदूकों वाले, एक निहत्थी लड़की से, इस तरह की चीजें तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने फिर जो है जुल्म के खिलाफ ओपनली लिखा, बादशाहों के खिलाफ जो है वो कसीदे लिखे, और कुछ लोग जेलों में भी गए। फैज अहमद फैज सबसे बड़े अलम्बरदार तो हमारे तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक के वो हैं। इस तरह के कई शुरा जिन्होंने बहुत लिखा, फिर नजरबंद रहे, जेलों में गए, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट तहरीक चलाई और अदब को एक डिफरेंट डायमेंशन में ले गए। तो इसके ऊपर आए तो आपने थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक क्या थी, कब शुरू हुई। आई थिंक 1934, वही बिल्कुल इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाला टाइम था, और वो वक्त की जरूरत भी थी तरक्की पसंद अदब तहरीक किया जाना, क्योंकि वो वक्त तो वो नहीं था कि उसमें टिपिकल तरह की गजलें लिखी जाती। तो फिर तरक्की पसंद तहरीक, अच्छा अब उसके बाद हल्का या अरबाब ज़ौक आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और बिकॉज अभी तक चल रहा है हल्का अरबाब ज़ौक। आई हैव बीन द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ हल्का अरबाब ज़ौक लाहौर ब्रांच जो थी इनकी, तो 1 साल तक वहां पे रही हूँ, तो अभी ये भी तब से चला आ रहा है। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक चली, उसके नतीजे में क्या हुआ, अदब जो उसकी बेसिक एस्थेटिक्स होती हैं उससे बिल्कुल दूर हो गया, और वो नारेबाजी और वो सब इसका पार्ट बन गया। अब उसमें ये प्रॉब्लम हुआ कि अदब को हम तो एक उससे यू नो एक प्लेजर, एक सुकून इस चीज को लेने के लिए, और एक उससे हमें जो एक एस्थेटिक सेंस हमारी सेटिस्फाई होती है, वो वाला अब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया ये वाले फैक्टर्स, और वो सिर्फ एक नारेबाजी और एक पॉलिटिशियन की एक स्पीच बनकर रह गया। तो अब वो भी जो लोग लिटरेचर लवर्स थे उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि वो इस तरह की बात होती कि जी अब मतलब उनके लिए तो फिर वो एक अदब क्या था, मुशायरा क्या था, वो एक सिर्फ पॉलिटिकल जलसा बन के रह गया जहाँ पे सिर्फ नारेबाजी हो रही है। फिर उसके नतीजे में हल्का अरबाब ज़ौक आया कि अदब जो है वो सिर्फ नारेबाजी नहीं है, अगर आपने रेजिस्टेंस पे लिखना है, अगर आपने इनकलाब की बात करनी है, तो उसमें भी एक शायराना तर्ज इजहार होना चाहिए। तो उसके नतीजे में ये तहरीक आई। इसके अलावा आपको कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आपको पेपर में आएगा तरक्की पसंद मुसन्निफीन। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दे दिया कि व्हेन यू स्टडी दीज मूवमेंट्स इन योर बुक्स तो आपको ये ना लगे कि यार क्या बकवास और कहाँ से आ गया। अच्छा, इसके अलावा जो है नसर पारे और उनकी पहचान, शायर के शेर की पहचान, ये मेन एक कंफ्यूजन होते हैं, उसमें भी बात ये कि आपको 5 या 6 तो नसर की किताबें दी गई हैं। अब सीरत नबी है, अब उसमें से अच्छा मजे की बात एक ये है कि ऐसा नहीं होता कि इतनी मोटी किताब है तो आपको वो कोई भी पैराग्राफ उठा के दे सकता है। एग्जामिनर भी कोई इतना स्मार्ट, आई डोंट नो आई शुड यूज द वर्ड स्मार्ट नॉट, लेकिन वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। और एक सेट पैटर्न्स भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के बदकिस्मती से ऐसे हैं कि वो ही लगी बंदी चीजें ही आती हैं। जैसे मैं यूसफी की किताब पेपर से एक रात पहले मैंने कहा यार यूसफी की किताब तो नहीं पढ़ी हुई, जनरल इंट्रोडक्शन तो है, यूसफी ने क्या लिखा, और एक्सर्प्ट्स भी उसके पढ़े हुए हैं, इधर उधर शेयर हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, बट मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। तो मैंने सोचा कि अब कल एग्जाम है तो अब इसमें क्या करना चाहिए। मैंने गूगल पे लिखा कि आबे गुम थी शायद, तो यूसफी आबे गुम के इकतबासात, जो सिलेक्टेड एरिया एक्सर्प्ट उसका होता है, इकतबास कहते हैं ना उसको, एक सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो मैंने लिखा कि यूसफी की किताबों के इकतबासात, तो उसमें 3 से 4 पैराग्राफ आए, वो मैंने पढ़े, और उसमें से एक एग्जाम में आया था, क्योंकि एग्जामिनर की साइकी को रीड करना चाहिए, वो इतना वो नहीं है
व्हाटएवर, कि वो निकालेगा बुक में से, सोचेगा कि कौन सा पैराग्राफ, वही 5 से 6 मशहूर पैराग्राफ्स होते हैं, अच्छा मैक्सिमम किसी बहुत बड़ी किताब में भी 10 होते हैं, उसने वही देने होते हैं घूम फिर के। और अब सीरत नबी में से तो आपको कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो आपको पता ही है कि भाई मुझे 5 ही तो सिलेबस में बुक्स दी गई थी, उसमें से एक ही तो सीरत नबी पे थी, तो ये शिबली नोमानी वाली ही है फॉर एग्जाम्पल। अब इस तरह चंदा मसर है आपके सिलेबस में मौलवी अब्दुल हक, इसमें उन्होंने खाके लिखे हैं। अब खाका क्या होता है? स्केचिंग किसी पर्सनैलिटी की। अब आपको अगर कोई पैराग्राफ ऐसा आ जाए कि जी वो ऐसे थे, दराज कद, लंबी मूछें, चलते थे तो ये हो जाता था, एक दिन हम उनके पास बैठे हुए थे, कि किसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया, उसकी स्केचिंग की हुई हो, उसके ट्रेट्स की या उसके फिजिकल अपेयरेंस की, तो आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि ये खाका है, और यार ये खाका है तो इसका मतलब ये तो मौलवी अब्दुल हक का चंद हम मिस्र में से है, उसमें 23 या 24 खाके हैं। तो ये आपका हो गया। अच्छा आगे मैंने ना आप लोगों को एक दो लिंक्स दिए हैं नोट्स के, जो ऑनलाइन नोट्स मुझे लगा कि अच्छे हैं, उसमें ना डिफरेंट टॉपिक्स पे 7 से 8 तो बड़े अच्छे रेलिवेंट टॉपिक्स थे, वो आप लोग उसमें से देख सकते हैं। उसमें इसी तरह चंदा मसर, जैसे अब आपके सिलेबस में किताब है चंदा मसर मौलवी अब्दुल हक की, वो आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है, मैक्सिमम एग्जामिनर आपको एक पैराग्राफ दे सकता है कि जी इसकी आप तशरीह करें या तलखीस करें या बताएं किसका है। उसमें आपने गेस कर लिया हो कि इसमें पर्सनालिटीज की बात हो रही है, ये खाके हैं तो ये मौलवी अब्दुल हक के हैं। नंबर 2, वो आपको ऐसे में दे सकता है क्वेश्चन में कि जी मौलवी अब्दुल हक के चंदा मसर का तनकीदी जायजा, उसके बड़े अच्छे नोट्स, ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी नोट्स पड़े हुए हैं। अब उसमें उसने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि इसमें टोटल 24 खाके हैं, मौलवी अब्दुल हक ने ये लिखा है, तो वो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। एंड आफ्टर रीडिंग इट, इफ यू फाइंड समथिंग वेरी डिफिकल्ट या कुछ भी प्रॉब्लमेटिक लगे, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं एटलीस्ट जितना मुझे आता है आई कैन एक्सप्लेन कि इसमें यूं बात है और ये बात है। तो इसी तरह से नसर की किताबें हैं, और अहमद अदीम कासमी नहीं, वो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें उदास नस्लें हैं, कोई जरूरत नहीं है उदास नस्लें पूरा पढ़ने की, ठीक है, उसके एक शॉर्ट सी समरी पढ़ लें विकिपीडिया पे, आपको क्लियर हो के ओके ये इस बारे में था, मेन कैरेक्टर्स ये थे, दैट इज इट, और बस आगे आए तो अपनी वंगियां उसमें मारते हैं, हेडिंग्स अच्छी बना लें, और कमोबेश एक ही जैसी बातें होती हैं, फिक्री फनी। मैं तो पंजाबी के पेपर में भी ऐसे किया था, उर्दू में भी ऐसे किया था, इसलिए यहाँ पे बैठ के मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकती कि इसको यूं करें यूं करें यूं करें। हेडिंग लिखना, आउटलाइन लिखना, उसको सवारना आपका काम है। ऑलराइट, हाँ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, बस आई थिंक ये लास्ट ही मेरी स्लाइड है, इसके बाद टाइम भी अच्छा खासा हो गया, उसके बाद जो भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। अच्छा ये फिक्री और फनी जायजा, मैं आपको इस पे फर्क बता दूं, जनरली ये क्वेश्चन आता है फिक्री और फनी जायजा। अब इसमें पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फिक्री क्या है और फनी क्या है, ये तो मेरे ख्याल में 98% लोगों को ना पता ही नहीं होता। बेसिकली फनी जायजा क्या है कि जो आपने चीज क्रिएट की है, नसर है या फॉर एग्जाम्पल एक पोएम है, गजल है, अब मैं उसका फनी जायजा कैसे लूंगी कि जी उन्होंने इस बहर में लिखा है, उन्होंने इस तरह से लिखा है, आसान अल्फाज यूज किए हैं, इस कहानी है तो उसका प्लॉट यूं बनाया है, ये है फन, टेक्निक क्या यूज किया। फिक्री कि आपने उसमें फिक्र कौन सी उजागर की है, उसका मैसेज क्या है। तो आप फिक्री और फनी को भी जब अलग अलग लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि ओके ही और शी नोज द डिफरेंस बिटवीन फनी और फिक्री। फनी क्या है कि टेक्निकली उसने ट्रीट कैसे किया, उसका ट्रीटमेंट क्या है, जो जो भी चीज अगर उसने लिखी है, एक प्रोज उसने लिखी है या अफसाना लिखा है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है, तो टेक्निक कौन सी यूज की है, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट लिया है, मॉडल लिया है, किस तरह से लिखा है, जुबान किस तरह की है, बहुत कैजुअल है या बहुत अदबी है, किस तरह की है। तो ये हो गया फनी। और फिक्री क्या है कि सोच क्या उजागर की उसने, ख्याल क्या है, फिक्र क्या है इसके अंदर, सोच के लिए सामान क्या है, ये हो गया फिक्री और फनी। और ओके नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक वो लास्ट है, उसमें मैंने आप लोगों को 2 लिंक्स दिए हैं जहां से आप लोग नोट्स कर सकते हैं, और ये आई थिंक 4 से 5 या 10 सेकंड्स लगते हैं इसको चेंज होने में, मेरी तरफ से चेंज नहीं हुई, स्लाइड चेंज होती है, बस वो लास्ट स्लाइड है, उसमें देर आर 2 लिंक्स जिसमें CSS के और डिफरेंट नोट्स मुझे नजर आए थे, उसमें से आपके काफी टॉपिक्स जो है ना वो हो सकते हैं कवर। हाँ ये बस लास्ट था। ये 2 लिंक्स हैं आपके CSS फॉरम के ही हैं दोनों लिंक्स, और इसमें जो है लिटरेचर के उसके बैकग्राउंड के थोड़े से आपको दिए हुए हैं। यस, सो बेसिकली ये एक शॉर्ट सा प्रेजेंटेशन तो नहीं कहेंगे, बस एक ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लैरिटी के लिए था
कि क्या चीज है, किस तरह से आ सकती है और किस तरह से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं. शॉर्टकट्स जो अपने टाइम पे हमने शॉर्टकट्स मारे थे वो बस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है. एंड आई अंडरस्टैंड देयर वुड बी मेनी क्वेश्चंस. तो ये आप लोगों के साथ ये प्रेजेंटेशन जरूर शेयर हो जाएगी. और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन को बासित इफ देयर इज सम गाइडलाइन और कोई रूल है तो वो मुझे बता दें, वरना जनरली जो जो लोग हाथ रेज कर रहे हैं दे हैव क्वेश्चन यू कैन राइट इन चैट बॉक्स एज वेल. और अगर इस तरह डायरेक्ट पूछ लेंगे तो वो ज्यादा ईजी हो जाएगा. सो मैं चैट वाले क्वेश्चन पहले देख लेती हूँ. हाउ टू मेक उर्दू राइटिंग फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर्स एनी बुक. अच्छा अच्छा ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है. ग्रामेटिकल एरर. अच्छा एक तो मैंने ना तकरीबन 6 साल पढ़ाया बीकन हाउस की एक इंटरनेशनल ब्रांच में. वहाँ पे सारे ना फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे, यूएस चाइना यहाँ वहाँ से आए हुए होते थे विद जीरो उर्दू बैकग्राउंड. वहाँ पे हम लोगों ने ये करना होता था कि उनको उर्दू सिखानी होती थी, विद इन मंथ्स वो सीख जाते थे. अच्छा वो बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते थे. एक तो वो जेंडर की मिस्टेक्स करते थे, तो वो तो आई होप अब हमारे लेवल पे जाहिर है हमारी अपनी लैंग्वेज है उर्दू तो नॉर्मली वी डोंट मेक सच मिस्टेक्स. अच्छा अगर कर भी लेते हैं तो इट्स फाइन. तो बेसिकली आप बेसिक उर्दू के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बुक पढ़ने की जरूरत है. आप जब उर्दू अदब की तारीख ही पढ़ेंगे ना तो आपके उसी से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि किस तरह से लैंग्वेज यूज की हुई है, कौन सा लफ्ज. ऐसे जाहिर है कुछ स्पेलिंग हम भूल जाते हैं क्योंकि वो जाहिर हमने बेसिक उर्दू सीखी हुई है, उसके बाद हम इंग्लिश साइंस फिलोसफी क्या क्या कुछ पढ़ रहे होते हैं, उर्दू तो कहीं साइड पे रह जाती है. तो उसमें यह है कि आप जब अपना स्टडी करेंगे ना मुतालिज की, जब आप स्टार्ट करते हैं रीड करना तो आपको रीडिंग में ही बहुत से ग्रामेटिकल एरर्स, उसमें खुद को कंफ्यूज ना करें कि मुझे पहले कोई बेसिक बुक पढ़नी है. और आई थिंक आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, और अगर टाइम हो भी तो आई वॉन्ट रिकमेंड आप जो आपकी सिलेबस की किताब है उसी को पढ़ें, उसी से आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो क्लियर होती जाएंगी. ऑलराइट. सो सबसे ऊपर जो मुझे अभी हाथ आ रहा है रेज नजर इसमें है मीर अफजल. सो ओके मीर आपका क्वेश्चन ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम मैम. आई कांट हियर यू. आप आई थिंक बोल तो रहे हैं, यू आर अनम्यूटेड बट आई कांट हियर यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मैम. आपको मुझे चैट में बताएगा क्या आपको मीर अफजल का आवाज आप उनकी सुनाई दे रही है, क्लियर है? हाय कांट हियर एक्चुअली. अस्सलाम वालेकुम. ओके सो देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन माय साइड राइट. सॉरी. फिर मीर अफजल आप अपना क्वेश्चन अगर चैट में लिखते हैं तो मैं उसको देख पाऊंगी कि क्वेश्चन क्या है. मीनवाइल सोनिया है, उनको अनम्यूट करते हैं. सो आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल टू यू मैम. Unfortunately, I don't know what's the matter, but I am unable to hear anybody. I don't know क्यों ऐसा है. Sonia, can you please try again? मैंने handset remove किया है, शायद अब मैं आपको सुन पाऊँ. आप जरा अनम्यूट मैं आप खुद को कीजिएगा, क्वेश्चन अपना आप पूछिएगा. This is actually sad. Sorry, यार आप लोगों को ना chat box में questions लिखने लगे हैं. मैं और से देखती हूँ कोई question miss ना हो. आप chat में लिखते जाएं, मैं quickly in answer करती जाती हूँ. उर्दू ऐसे यार, उर्दू ऐसे जो आप लोगों को आएगा ना वो ऐसे बिल्कुल भी कहीं बाहर से नहीं आने वाला. जो आपका syllabus का circle है ना उसी के अंदर से आएगा. अच्छा ऐसे आ गया आपको, आप 15, 25 या 20 नंबर का है. आपने यही समझना है कि ये आपका इंग्लिश का ऐसे है जैसे उसको हम लॉजिकल लिखते हैं. आपने सबसे पहले उसका लिखना है आउटलाइंस. ठीक है, आउटलाइंस का आप अच्छा फॉर एग्जांपल ऐसे आया आपको कोई भी ऐसे का टॉपिक आया, आपने उसकी हेडिंग दी, आपने आउटलाइंस पूरी लिख दी. आउटलाइंस में ऐसे लिखेंगे आप तारुफ,
मतन कंटेंट यानी मतन तारुफ मतन मतन की सब हेडिंग्स लिखेंगे दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग फिर कंक्लूड उसको करना है आपने उसका नतीजा या हासिल या मा हासिल यानी मीम अलिफ और फिर हे हलवे वाला स्वाद लाम मा हासिल एंड पे जरूर लिखना है तो अंदर आपने इस तरह से ऐसे की आगे कोई हेडिंग नहीं लिखेंगे आप मेन आउटलाइंस लिखी उसके बाद ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें ऐसे में अशार जरूर लिखें नहीं भी बनता ना तो कॉन्टेक्स्ट में खुद बना लिया करती थी घुमा फिरा के बात को इस तरफ ले जाएं कि जो शेर जेन में आ रहा है ना वो लिखते हैं और उसके अंदर शेर लिखें कोट्स लिखें आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को ना अशार की एक लिस्ट बनाकर जरूर दे दूं एक मिनट ये कुछ लोगों को हम ऐड कर लें अच्छा जी एक क्वेश्चन का ऐसे का तो ये हो गया अच्छा इसके बाद भी इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन ऐसे तो आप अपना क्वेश्चन ना बासित को आप बता सकते हैं कि अभी भी ये आ रहा है इश्यू आ रहा है तो जो बेसिक इश्यूज होंगे वी कैन कंडक्ट अनदर सेशन जिसमें जो आप लोगों के कॉमन इश्यूज आ रहे हैं उनको दोबारा से रीएड्रेस हम कर लें अच्छा मैं अब चैट को जरा डिटेल में देख लूँ कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन मिस ना हो उर्दू ऐसे ठीक है उर्दू ऐसे का मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता दिया एवरेज लेंथ ऑफ आंसर्स मैंने हमेशा जितने भी उर्दू के पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं ना इंक्लूडिंग सीएसएस मैंने ये देखा है कि 5 marks means 1 page तो अगर आपको 15 number का क्वेश्चन आया ना तो आपने 3 pages तो करने हैं इधर उधर की बोंगियां मार के हेडिंग्स बना के क्योंकि आपने आउटलाइन भी तो लिखनी है एक पेज पे तो आपकी आउटलाइन आ जाएगी और 2 pages पे आप उसकी अंदर आउटलाइंस को अपने उसमें स्टोरियां जो अंदर डालनी है वो डाल दीजिएगा तो आप ये जहन में रखें कि एवरेज लेंथ उर्दू में आपने 5 marks mean 1 full page. अगर 25 number का आपको ऐसे आ रहा है तो आपको 4 to 5 pages तो लिखने चाहिए उर्दू में एक्चुअली लेंथ मैटर्स तो कुछ नहीं तो 4 तो जरूर लिखें 5 marks means 1 page ये आप जहन में रखें मैम काइंडली तनकीदी जायजा समझाएं अच्छा अब तनकीद क्या है कि आपने उसको हर पहलू से देखना है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कोई क्वेश्चन मिस ना हो जो मेरे सामने आ रहे हैं मैं उनको आंसर कर रही हूँ लेकिन हम दोबारा भी इसको रीचेक करेंगे लिस्ट को तनकीदी जायजा क्या है और इसको कैसे करना है देखिए आपको अगर आ गया फैज अहमद फैज की गजल का या नज्म का या शायरी का तनकीदी जायजा फैज की शायरी का तनकीदी जायजा अब आप तनकीद कैसे कर सकते हैं क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं तनकीद एक बहुत वास्ट टॉपिक है इट्स नॉट वेरी इजी बहुत बड़े बड़े तनकीद निगार हैं जिन्होंने PhD की है बेसिकली तनकीद वो करते हैं हमसे कोई बहुत हाई फाई तनकीद जो है वो नहीं एक्सपेक्ट की जा रही लेकिन आप लोगों ने फिर भी तनकीद किस तरह से लिखनी है कि आप लोगों ने स्टार्ट करना है उसके अगेन हर क्वेश्चन की आउटलाइन आपने फर्स्ट पेज पे जरूर बनानी है आप अब उसमें स्टार्ट करेंगे कि अब फैज अहमद फैज की गजल है ना अगेन तारुफ थोड़ी सी इब्तदाई जिंदगी उनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड कि किस तरह से वो फैज का मेरे ख्याल से वो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स था तो लिटरेचर पे एक नजर थी एक आलमी अदब पे उनकी नजर थी तो उसके अलावा तनकीदी जायजा में आप यही लिखेंगे फिक्री अहाता फनी अहाता उसमें आप डिटेल में लिखेंगे फैज के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए फैज ने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ 81 गजल लिखी है तो लोग गजलों के ढेर लगा देते हैं सिर्फ 81 और नज्में जो है नज्मों की डिफरेंट किताबें हैं अच्छा फिर आपने इस तरह से तनकीदी जायजा करना है कि जुबानो बयान एक हेडिंग हो गई कि जो जुबानो बयान इनका ऐसा है जिस दौर में थे पाकिस्तान की तहरीके पाकिस्तान का दौर था और उस दौर में ये है कि कोई भी जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता था उसको ये हो जाता तो आपको फैज की शायरी में भी जगह जगह ये वाली मजाहमत मिलती है इनकलाबी फिर इसको आप हेडिंग दे सकते हैं अगला इनकलाबी तर्ज इजहार आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं तो तनकीदी जायजा यही है आपने हर एस्पेक्ट से ना उनकी शायरी को देखना है फिर फैज अहमद फैज ने एक और काम किया था जब आप किताबों में पढ़ेंगे फैज ने क्या किया था कि सब बहुत जदीद अदब तक क्रिएट कर रहे थे तो फैज ने पिछले शोरा जैसे गालिब के ना मुख्तलिफ मुश्किल तरकीब को पकड़ा था शेरों में से फारसी तरकीब फारसी टर्म्स को तरकीब होती है डिफरेंट कंपाउंड ऑफ वर्ड्स उसको फैज ने पकड़ के और जदीद तरीके से कहने की कोशिश की थी तो ये एक मिलाप किया था रिवायत और जिद्दत का रिवायत मीन्स क्लासिकल और जिद्दत का मॉडर्न टचेस को दिया था तो तनकीदी जायजे की एक हेडिंग बन सकती है रिवायत और जिद्दत का इम्तिजाज ओके इफ आई फाइंड टाइम तो जो आपके सिलेबस में पोइट्स हैं फैज मीर ये वो जो किताबें हैं उनके भी ना मैं हेडिंग्स बना के आपको दे दूंगी कि अगर तनकीदी जायजा आता है तो क्या करना है आप किसी नसर की किताब का तनकीदी जायजा आ रहा है तो उसमें आपने पहली हेडिंग जुबानो बयान जिसकी जुबान ऐसी है बहुत अच्छी है ये वो फिर कहानी का प्लॉट कैसा है किरदार क्या है यही होता है तनकीदी जायजा कि किरदार कैसे हैं क्या किरदारों को निभाया हुआ है इसके लिए अगेन यू डोंट नीड टू रीड द होल नॉवल या किताब
उसमें आपको बस उसका वही समरी पढ़नी है और अंदर ये मेन हेडिंग्स होती है, मैं आपको हेडिंग्स दे दूंगी कि तनकीदी जायजा की हेडिंग्स क्या होती है, उसके आगे कहानियां आप अपनी जो भी लिखेंगे वो चल जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चंस भी लिखने हैं पेपर पे या फिर डायरेक्ट आंसर्स? डिपेंड, इट डजंट मैटर, लेकिन एग्जामिनर को आपने आसानी देनी है। एग्जामिनर को जहां भी खपना पड़ गया ना, यू नो उसको अपना सर खपाना पड़ गया कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या क्वेश्चन है, वहां पे उसने डिस्करेज हो गया, आपके मार्क्स तो वहीं पे थोड़े बहुत लूज हो गए। तो आप उसको आसानी दें, अगर आपको लग रहा है कि यार इतना लंबा क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है तो आप नहीं लिखें, मगर आप क्लियरली लिख लें कि सवाल नंबर 3 फैज अहमद फैज की शायरी पर तनकीद की जायजा, चलेगा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हेडिंग्स यूज करनी है कि नहीं, ऐसे में हेडिंग बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, बिल्कुल भी आप हेडिंग यूज नहीं करेंगे। 4 पेजेस का आप ऐसे लिख रहे हैं या 3 पेजेस का लिख रहे हैं, आप आउटलाइंस बनाएंगे जरूर, जैसे आप इंग्लिश ऐसे में करते हैं, आप समझे उर्दू ऐसे भी बिल्कुल वैसे है। आप उसको क्या कहते हैं, आपने लिखा ऐसे का कोई टॉपिक ही जहन में नहीं आ रहा, उर्दू जुबान का इर्तका आपको एग्जाम्पल हो गया, ऊपर उर्दू जुबान का इर्तका, नीचे आप अपनी सारी बुलेट्स बना के हेडिंग्स लिखेंगे, आउटलाइंस लिखेंगे, आउटलाइंस लिखेंगे और उन्हीं हेडिंग्स को आगे एक्सप्लेन करना है। नो हेडिंग्स इन ऐसे ऐसे आप बस जनरल लिखते जाएंगे। हाँ, लेकिन आपके पैराग्राफ इतने खूबसूरत होने चाहिए कि हर पैराग्राफ में अलग अलग पता चल रहा हो कि ये अपनी उधर से नहीं हटा आउटलाइन से, और आउटलाइन का एक एक पैराग्राफ को एक एक पैराग्राफ में एक एक अपनी हेडिंग को जो है वो एक्सप्लेन करता जा रहा है, हेडिंग्स नहीं बनाएंगे। तो एक मिनट एडमिट कर लें, हम जो आ रहे हैं फिक्री जायजा। ओके, दो चीजें हैं, फनी जायजा फिक्री जायजा। फनी टेक्निकल के आप इसके आपको इकट्ठा भी क्वेश्चन है ना, फिक्री और फनी जायजा लें, आप अलग से लिखें फनी जायजा कि इसमें टेक्निक क्या यूज की है, जुबान कैसी है और लहजा कैसा है, स्टाइल कैसा है। अच्छा, गजल है तो गजल क्यों लिखी, नज्म क्यों नहीं लिखी, शॉर्ट कहानी क्यों लिखी, यू नो मुख्तसर है, किरदार ऐसे हैं, ये सारा हो गया उसकी टेक्निक कि किस तरह से वो क्रिएट की गई है चीज। फिक्री जायजा क्या है कि वो आपको क्या सोच दे रहा है, कि इसमें फॉर एग्जांपल बताया गया, फॉर एग्जांपल नबी करीम की सीरत के बारे में बताया गया और हमें ये चीज बावर करवाई गई है कि हमें उनके नक्शे कदम पे चलना है। उसमें फिर आप एक आयत लिख सकते हैं कि आप तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी में उस वक्त है, लकत काना लकुम उस वक्त। तो ये इस तरह की चीजें आप, ये है फिक्री जायजा जिसमें आप बताएं कि फिक्र क्या दी है ऑथर ने। फनी जायजा है कि उसने टेक्निक कौन सी बरती है, ट्रीट कैसे किया है, किस तरह से चीज को लिखा है, प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, ये चीजें। और फिक्री जायजा क्या है कि आपको थॉट क्या देता है। मैम, क्वेश्चंस में हेडिंग लिखनी है या नहीं? क्वेश्चंस में तो हेडिंग मस्ट लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ मज़मून में हेडिंग नहीं लिखनी। क्वेश्चन में भी आपने आउटलाइन लिखनी है पूरी, ये और कंफ्यूजन। आउटलाइन आपका ना टाइम और दिमाग बहुत बचाती है, आप एक बार सोच के आउटलाइन लिख लेते हैं फिर उसके बाद आप धड़ाधड़ क्वेश्चन लिखते जाते हैं। आपको जो डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपने आउटलाइन जरूर लिखनी है, हेडिंग जरूर लिखनी है। आउटलाइन तो खैर हर क्वेश्चन में लिखनी है, सिर्फ ऐसे में आपने हेडिंग नहीं करनी है, बाकी हर क्वेश्चन में आप जरूर हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग बना बना के उसको सजा के अंडरलाइन करके मस्ट लिखेंगे, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ये आप मस्ट करेंगे। Madam, what should be the strategy to prepare the nazm portion? Yeah, nazm is my favorite portion actually. तो मुझे personally तो बहुत आसान लगता है नज्म और गजल में। अच्छा, normally फर्क ही हमें क्लियर नहीं होता कि गजल और नज्म में फर्क क्या है। यार गजल सिर्फ वो चीज है जिसमें वो रदीफ और काफिया रिदम में मिलता है तो वो गजल है। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, फैज का शेर। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, हाथ नहीं बात नहीं, ये गजल है। ठीक है, ये तो आप लोगों को क्लैरिटी है। उसके अलावा जो एक लंबी एक सिंगल यूनिट पे टॉपिक पे, और गजल में क्या होता है हर शेर अलग टॉपिक का हो सकता है। एक शेर में आप फॉर एग्जाम्पल प्यार मोहब्बत पे बात कर रहे हैं तो दूसरे शेर में आप जंग की बात भी कर सकते हैं, दिस इज गजल। नज़म क्या होता है कि देर इज वन सिंगल टॉपिक और उसी के ऊपर नज़म लंबी चल रही होती है तो वो नज़म है। अब नज़म का क्वेश्चन आपको कैसे प्रिपेयर करना है, नज़म आपको जैसे मजीद अमजद की नज़म आएगी तो यार वो तो किताबों में लिखा हुआ है मजीद अमजद की नज़म, उसकी हेडिंग्स का रट्टा लगा लो, ये है ये है ये है और उसमें लिख लो। जैसे मुसद्दस है वो भी है, हाल ही की मुसद्दस भी है आपके सिलेबस में, वो भी अब नज़म के पैटर्न में क्योंकि सिंगल टॉपिक है, वो चलता जा रहा है लंबा चलता जा रहा है। तो नज़म को भी अब मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि नज़म को प्रिपेयर, अगर नज़म के ऊपर कोई आ जाता है कि जी कोई जायजा या इस तरह की बात तो आप यही लिखेंगे नज़म का एग्जैक्ट टॉपिक क्या है, उसमें शायर ने बात क्या की है और ये कितनी मशहूर नज़म है अपने जमाने की, इस तरह की बस जनरल बातें आपने लिखनी है। रिकमेंड सम बुक्स,
यार आप पता क्या करो, ये जो दो आप लोगों को लिंक्स दिए हैं ना, एक तो इन लिंक्स को जरूर देखें, बहुत से टॉपिक्स वहां से क्लियर हो जाएंगे, 8 से 10 आपके टॉपिक्स है और कुछ नहीं है। यह बुक जो है ना उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जो है ना डॉक्टर सलीम अख्तर की, वो बहुत अच्छी है। उसको आपको है भी शॉर्ट, सारी ना पढ़ें, अपने रेलिवेंट टॉपिक्स उसमें से निकालें, कोई और बुक की आपको जरूरत नहीं है, सिंपली आप वो बुक पढ़ें। यहाँ वो कोई एक दो बुक्स होती है ना, जैसे हमारे इधर तो सी एस एस के लिए वो थी जो वर्ल्ड टाइम्स की, मैं तो ये करती थी, मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में तैयारी की थी, कोई अकेडमी वगैरह नहीं थी, तो मैं तो बस ये करती थी कि वर्ल्ड टाइम्स की कोई सी भी बुक ले आओ, एटलीस्ट उसमें सिलेबस के टॉपिक्स तो कवर होंगे ना, अंदर तो अपनी चीजें मैंने खुद तैयार करनी है, तो कोई सी एक वो बुक ले लें। डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब से जरूर पढ़ लें, आपको ऑनलाइन मिले या आपको खरीदनी पड़े उसकी आप कोशिश कर लें, क्योंकि वो बहुत अच्छी लिखी हुई है। इसके अलावा कोई सी भी बुक जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस पे हो, ताकि आपको सिलेबस क्लियर हो जाए, कोई टॉपिक अगर कहीं से ना मिले तो उस किताब में तो होगा, बस ये दो बुक्स आप कर लें। खुशखती कितनी अहमियत रखती है, खुशखती यस एक अच्छा इम्पैक्ट तो डालती है, स्पेशली इंग्लिश में भी डालती है प्रेजेंटेशन खुशखती, लेकिन स्पेशली उर्दू में। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है ना, इट डजंट मीन कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, डजंट मीन, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप वर्ड को थोड़े गैप के साथ और नीचे लिख लें, मतलब दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स कि यार ऐसे करो, वो काम बड़ा अच्छा चल जाता था। सिर्फ ये करें कि हैंडराइटिंग नहीं अच्छी, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, उसको लेकिन बहुत नीयर लिखें, कीड़े ना छोड़ें उर्दू में, क्योंकि जो जिसने प्यारा प्यारा लिखा होगा आपसे 5-7 नंबर ऊपर ले जाएगा, और नंबर्स की गेम है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बदकिस्मती से। तो आप सिर्फ ये करें कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, गैप दे दे के लफ्ज लिखें, लेकिन नीटनेस ले आए, नीटनेस है तो खुशखती है, दैट्स इट। डॉक्टर अमजद अली शाकरी की बुक्स कैसी हैं? यार ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये बुक्स कोई भी आप ले लेंगे ना, इन्होंने कमोबेश एक ही जगह से थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, जो मेन हमारे उर्दू के प्रोफेसर्स हैं तारीख के, क्योंकि वही थेरीज हैं, किसी के पास आपको कोई मसला नहीं मिलेगा, आपको जो मैंने टर्म्स बताएंगे वो यूज करें, कोई भी आप अमजद अली वाली किताब ले लें, उसी में से आप याद कर लें, कोई इशू नहीं है। मेन इशू कहाँ पे आएगा, जहाँ आपने प्रेजेंट करना है। और याद ये रखिए कि इतने सारे लोग जब अटेम्प्ट करते हैं एग्जामिनर, आप ये सिर्फ साइकी सोचिए कि एग्जामिनर को क्या पढ़िए कि फॉर एग्जाम्पल 5,000 पेपर उसके हाथ में आया है, तो वो आप ही 100 लोगों को 5,000 में से पास क्यों करे, कुछ डिफरेंट और कुछ यूनिक होना चाहिए। मेक योर पेपर एज यूनिक एज यू कैन, यार ये ओनली टिप अगर मुझे कोई कहे ना देने के लिए तो यही है, अपने पेपर को मैक्सिमम डिफरेंट बनाएं। मैक्सिमम डिफरेंट आप कैसे बना सकते हैं, ये वाली टर्म्स ऐड करें, शेर जरा सा भी कोई जहन में आए तो मार्कर से इसके अंदर सजा सजू के आप शेर लिखें, और ये वाली बातें किताब आप कोई भी कर लें वो आपको एक जैसी बातें बताएंगे। सीरत नबी का तनकीदी जायजा हर किताब में कमोबेश एक जैसा होगा, मेन थिंग यही है कि आप उसको सजा कर बना कर प्यारे तरीके से लिखें कि एग्जामिनर को ढूंढ ढूंढ के मेहनत ना करनी पड़े कि यार भाई कहना क्या चाहता है। मैडम अगर दो नसल निगार के बारे में लिखना हो, ऊपर हो गया क्वेश्चन, एक मिनट मैं आपका क्वेश्चन, यार सॉरी एक मिनट चैट को ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं मैं। दो नसल निगार के बारे में लिखना हो तो हम हेडिंग सेम रख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अगेन देखिए अगर बिल्कुल 100% सेम होंगी तो फिर वो भी तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। 3-4 सेम रख लें, 3-4 थोड़ी सी बदल लें, इस तरह से कर लें, रट्टा लगा लें 8-10 हेडिंग्स का, ठीक है, और इत्तेफाकन अगर ये आ जाता है तो जैसे तर्ज इजहार की एक हेडिंग होती है, क्योंकि तर्ज इजहार कैसा है, हर एक का जी हमने यही लिखना होता है कि अच्छा है, दिल को छू जाने वाला है, ये है वो है, तो किसी का तर्ज इजहार लिख रहे हैं तो किसी और का आप लिख सकते हैं, मतलब इसी का कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड लगा लें ताकि बिल्कुल एक जैसा ना हो जाए। एक का तर्ज इजहार लिख रहे हैं तो आप एक लिख सकते हैं कि जिद्दत इजहार या कुछ इस तरह का, या बयानिया और बयानिए की खूबसूरती, यू नो इस तरह से करके, मतलब हेडिंग की सेंस सेम है कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा उसको बदल दें, और बदल भी इस तरह से दें कि 3-4 हेडिंग सेम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा शेयर लिंक्स, अच्छा वो जो ये प्रेजेंटेशन थी ना, ये आप लोगों के अगर ईमेल्स या व्हाट्सएप जाहिर है कुछ होंगे बासित के पास, तो वो मैं उनको व्हाट्सएप कर दूंगी, तो वो लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे उसके। MCQs के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें? यार वो एक बुक है ना कलीदे उर्दू, मैंने एक बार लेक्चर का एग्जाम देना था उर्दू का, तो उसके लिए वो MCQs की बुक एक कलीदे उर्दू मिलती है, आई डोंट रिमेम्बर के ऑथर का क्या नाम है, उसमें सारे MCQs है पूरे उर्दू अदब के हैं, तो वो आप पढ़ लें उसको,
मैक्सिमम जो याद तो इतना नहीं रह सकता और वो ऐसी बात है. तो उसने ना आपको अब वो के पहला साहिब दीवान उर्दू का शायर कौन था, वो कली कुतुब शाह और इसके कितने मजमुए हैं उसके कितने, तो ये वाली बेसिक जो है जितना याद रह जाए इतना ना उस पर सर खपाए, सब्जेक्टिव पे ज्यादा टाइम लगाएं. एमसीक्यू उसका वही इंग्लिश प्रेसी वाला हाल है, जितनी भी आप वोकैबुलरी याद करके चले जाएंगे लिमिटेड सा ही आपको आता होता है उस एग्जाम में. तो आप बस ये कीजिए उसमें कि कलीदे उर्दू जो है ना एक किताब वो ले लें एमसीक्यूज वाली, या एमसीक्यूज वाली कोई भी किताब आप ले लेंगे ना एक जैसे एमसीक्यूज है, सबने एक दूसरे का छापा लगाया हुआ होता है, कोई भी किताब पकड़े उसमें से एमसीक्यूज इस तरह से आप जितनी कर सकते हैं कर लें. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको करने की जरूरत नहीं है कि यार ये अब खदीजा मस्तूर ने कौन सा नॉवल लिखा था आंगन, इतनी ज्यादा उसमें नहीं पता है, वो आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट करेगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी इग्नोर होंगे, इवन उर्दू खुद इग्नोर हो जाएगा. तो बेसिक मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ना वो करें, फैज, सीरतुल नबी, मौलवी अब्दुल हक जो 20-25 नंबर के आने हैं, एमसीक्यू तो आधा तुक्का होता है आधा आपकी मेमोरी होती है. और या क्वेश्चन सॉरी तो से आप लोगों को यार चैट में ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि वो तो ऑडिबल ही नहीं था मेरे लिए. तलखीज किस तरह करनी है, हाँ तलखीज पे तो बात ही नहीं हुई यार, तलखीज बिल्कुल वैसे करनी है जैसे आप लोग इंग्लिश प्रेस ही करते हो. अपनी थॉट कि आपने उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट किया है, आपको पैराग्राफ आया यार शॉर्ट करना उसको, आसान सी जुबान में शॉर्ट करना, दैट्स इट. उसको पढ़ना है और उसका मैसेज आसान सी जुबान में, 1/3 होता है ना तलखीज का फॉर्मूला, उसको इजिएस्ट वे में आपने शॉर्ट करके लिख लेना है. अब ये डिटेल लेक्चर्स होते हैं ना तो मैं आपको 2-3 इस तरह के पैराग्राफ ले आती जिसकी तलखीज करना होती तो उसमें आपको बता देती. अगर आई कैन कंडक्ट अनदर सेशन तो उसमें हम ये भी कर लेंगे कि 2-3 पैराग्राफ्स ले लेंगे आपके रिकमेंडेड जो आपके सिलेबस की है नसर पारे उसमें से, तो उसमें से फिर ये कर लेंगे कि तलखीस एक लाइव देख लेंगे कि अगर ये आपको पैराग्राफ आया तो आप किस तरह से इसको शॉर्ट कर सकते हो, इसकी प्रेसी कैसे कर सकते हो. प्रिसाइजली उसको करना है ना, उसने एक टेक्निकल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप उसको बहुत शॉर्ट करके उसका मैसेज एक शॉर्ट और कॉम्पैक्ट फॉर्म में बता दो. मुझे इस चीज में भी आसानी इस तरह से रही कि गजल कहती थी तो अब जब शेर लिखते हो तो आपने एक दरिया को कूजे में बंद करना है, आपके जहन में पूरा ख्याल आया आपने उसको एक लाइन में कॉम्पैक्ट करना है, यही प्रेसी है मेरे ख्याल में. तो उसकी मेरी ऑलरेडी इस तरह की प्रैक्टिस थी और एक्सपोजर था कि मैंने उसको कॉम्पैक्ट करके लिख लिया, तो सिर्फ कॉम्पैक्ट करना है. अच्छा तशरीह के लिए हवाला है मतन लुगत काफी है हेडिंग्स ये. अच्छा आपको तशरीह अगर करने के लिए आ रही है तो हाँ पहले आप उसका लिखेंगे कि किताब का नाम क्या है, मुसन्निफ कौन है, फिर आप थोड़ा सा हवाला देंगे मतन का कि क्या से आपको सबाक है पीछे से, जी इस किताब से लिया गया है और इस किताब में बेसिकली फॉर एग्जांपल ये मौलवी अब्दुल हक की किताब चंद हमसर में से लिया गया है, इसमें मौलवी अब्दुल हक ने डिफरेंट खाके बयान किए हैं और ये किताब ऐसी इतना सा हो गया, और उसके बाद आप तशरीह लिखे और तशरीह के अंदर मेन चीजें लिखे. तशरीह लिखते हुए भी आपको कोई रेफरेंस याद आ जाता है, कोई शेर याद आ जाता है तो लिखते हैं उसके अंदर भी शेर मार्कर वगैरह से हाईलाइट करके लिखते हैं. यार शेर तो मेरे आप लोग गूगल यूट्यूब कहीं पे भी देख सकते हो ना, वो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. तो इम्पोर्टेंट इज कि आप लोगों का ये क्वेश्चंस की जो है तैयारी, अब क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों के हो जाएं. ऐसे में अशआर डाल सकते हैं क्या, जैसे कि ऐसे आया अल्लामा इकबाल का पैगाम? बिल्कुल ऐसे में आप जितने मर्जी डालें कोटेशंस डालें, बस हेडिंग्स नहीं बनानी ऐसे की, ऐसे की आउटलाइन लिखें वही यार जैसे आप इंग्लिश ऐसे में करते हो, मतलब इंग्लिश ऐसे में भी हम लोग कोटेशंस वगैरह तो डाल देते हैं ना, उर्दू ऐसे में भी आप लिखें शेर, मैं तो कहती हूँ 4-5 शेर लिखें बस रेलिवेंट हो, ये ना हो इधर उधर के, बिल्कुल थोड़ा सा उसका महल बना दें कि कॉन्टेक्स्ट सही हो. तो आप जरूर लिखें अशआर, जरूर कोई इस तरह की कोई कोटेशन से भी याद आ जाए तो इन्वर्टेड कॉमर्स में. मुझे तो कोई याद नहीं आती थी, मैं अपने पास से बना के इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देती थी, कोई शेर ऐसा नहीं याद आता था उस वक्त, अपने पास से बना दिया. अब शेर वाला तजर्बा ना कीजिएगा लेकिन कोटेशन वाला तो कर सकते हैं, तो ये आप जरूर ऐसे में करें, ऐसे में अशआर. अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन. तशरीह करते हुए पोइट का नाम याद ना हो, पोइट का नाम पता ना चले तो तशरीह ठीक? हाँ कोई मसला नहीं है यार, पोइट का नाम नहीं आता ना तो छोड़ दे ना लिखें, या छोड़ने से अच्छा नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तुक्का मार दें कोई, क्योंकि वही 4-5 पोइट्स ही हैं ना जो आपके सिलेबस में है, उससे बाहर तो नहीं आएगा ना. तो आप मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हों कि फैज है या नासिर है फॉर एग्जाम्पल, तो नहीं समझ आ रहा, तो जो समझ आ रहा है वो तुक्का मार दें. तशरीह सही है, ये नहीं वो करेगा कि यार इसने ऊपर तो मोहसिन नकवी लिख दिया नीचे नासिर की शेर की तशरीह है. तशरीह सही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, तो वो शेर के जो शायर के एक या दो नंबर है वो ही कटेगा ना, तशरीह आपकी सही होगी. ये हो गया. अच्छा मुझे ऊपर मेरे कोई क्वेश्चंस मिस हो गए हैं.
गाइस कैन यू डू दिस, अगर ऊपर आपको कोई क्वेश्चन मिस हुआ है तो आप उसको नीचे पेस्ट कर दें. प्लीज गिव टिप्स टू इम्प्रूव राइटिंग, राइटिंग इज वेरी गुड. यार राइटिंग तो आपकी बेसिक एजुकेशन में इम्प्रूव होती है. अभी के लिए टिप यही है, राइटिंग बहुत गंदी है ना, बहुत गंदी है, तो आप ये करें कि एक लफ्ज लिखें, गैप छोड़, स्पेस स्पेस देना शुरू कर दें, खुद ब खुद एक नीट सी लुक आ जाती है. तो ये शॉर्ट रन में यही किया जा सकता है कि आप एक नीट नीट सा और थोड़ा फोकस किया करें. मतलब मैं फोकस करती थी यार, ये सीन कैसे किताबों में लिखा होता है, तो ये कैसे लिखा होता है, ये कैसे लिखा है, जो गोल लेटर्स हैं वो आपकी राइटिंग में बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, उनको आप जरा बड़ी गोलाई के साथ लिखें और ये वो. और हमें तो यही सिखाया जाता था बचपन से कि लफ्ज से प्यार करो, उसको एंड वाले हर्फ तक को प्रॉपरली अदा करो. पानी लिखना है तो ये को छोड़ना दो, प्रॉपर एंड तक लेके जाओ. तो ये तो जाहिर है अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी तो कोई मसला नहीं है, बस ट्राई टू राइट नीटली. अच्छा, नोट में अलग अलग हेडिंग दे के लिखना है कि बस ऐसे लिखना है? नोट आपको लिखने के लिए आ जाए कि दो पर मुख्त से नोट लिखें, हेडिंग दे के लिखना है इस तरह से. लेकिन अगर यार वो अगर बिल्कुल ही पांच नंबर का आ रहा है, मैं पूरी हूँ नोट आपको कितने नंबर का आता है. फॉर एग्जाम्पल से फाइव का आ रहा है, आपने एक पेज लिखना है ना दे हेडिंग. टेन का आ रहा है तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि आप तीन हेडिंग लिख दो यार. अच्छा हेडिंग नहीं लिख रहे ना, अगर आप 10 नंबर का है तो एटलीस्ट आप नतीजा, ओपिनियन, राय, माहसिल, हासिल, हासिल कलाम, यानी एंड पे अपना ओपिनियन, हासिल कलाम आपने जरूर देना. ये तो आप लिख लेना हर क्वेश्चन में, आप हासिल कलाम जरूर दें और इधर हेडिंग जरूर बनाए. तो मैं पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए भी कहती हूँ, हर क्वेश्चन की ऐसे आउटलाइन बनाए जैसे आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं हर क्वेश्चन की. यार सयाक सबाक, सयाक पीछे, सबाक आगे. सयाक को सबाक क्या होता है कि यार ये जो बात की जा रही है मैं इसके आगे पीछे क्या था, इसका असल नसब क्या था. तो आपको एक पैराग्राफ आया तो एग्जामिनर वांट्स टू नो कि यार आपको तो पता भी है कि इसके आगे पीछे क्या चल रहा है. तो आपको सीरतुल नबी का एक पैराग्राफ आया, आपको पता चला कि रसूलुल्लाह के बारे में कोई बात है, तो यार ये तो हमारे बस सीरतुल नबी थी, इसमें इसका मतलब उसमें से आया हुआ है. तो सीरतुल नबी में से आया हुआ है तो हमने उसके ऊपर से बात करनी है. तो आप सयाक सबाक में यही लिखेंगे, सयाक सबाक की हेडिंग दी और उसमें लिखेंगे कि दर्ज बाला या मस्कूरा बाला पैराग्राफ शिबली नौमानी की किताब सीरतुल नबी से लिया गया है, और इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर रोशनी डाली गई है और ये बताया कि जो आपकी चीज़ें हों. और आप ये लिखिए कि इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है. थोड़ा सा मतलब कोई एग्जाम्पल, अगर रसूल पाक के अखलाक की बात हो रही है तो अब आपको नहीं याद आ रहा कि इससे ऊपर वाले पैराग्राफ्स क्या थे किताब में, बिकॉज आपने तो किताब नहीं पढ़ी. तो आप ये लिखने कि जी इससे पहले ये बात की गई है किताब में कि रसूल पाक का अखलाक ऐसे था. तो जनरली लिखते हैं, आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहे हैं कि यार इस तरह की बात होगी. मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इस तरह की नहीं होगी, एग्जामिनर को इतना नहीं हो जाएगा. आप इस तरह से करके बस लिखते हैं सयाक सबाक ओवरऑल बाकी किताब में क्या बताया गया इससे रिलेटेड, इस तरह का आपने लिखना है. हर क्वेश्चन के आउटलाइन आंसर में लिखना भी है या अपनी आसानी के लिए जेहन में रखना है? यार हर क्वेश्चन की आउटलाइन आपने लिखनी है. जेहन में क्या रखना है, जेहन में रखना है तो जेहन को बार बार खोल के जोर लगाना पड़ेगा. हर क्वेश्चन के लिए आप पेज पे लिख लें, पांच मिनट तो लगते हैं, पांच मिनट भी नहीं लगते. पहला क्वेश्चन आया, हेडिंग लिख लें, तारुफ ये और एंड पे हासिल कलाम. अगला क्वेश्चन है फैज का, आया है फैज का तारुफ ला 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 शायरी ये वो हासिल कलाम. हर एक की आप हेडिंग लिखें यार, इससे आप देखना आपके मार्क्स में कितना फर्क पड़ेगा. ऐसे विदाउट आउटलाइन चलेगा? नहीं चलेगा. आप आउटलाइन, यार आप लोग आउटलाइन से क्यों भाग रहे हो? आप लोग ऐसे में भी तो लिखते हो, आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस है. ऐसे नहीं चलेगा विदाउट आउटलाइन, आप ऐसे में जरूर आउटलाइन लिखें, चलेगा, लेकिन माइनस फाइव वगैरह भी हो सकता है. यार आउटलाइन कुछ उर्दू में क्या कहते हैं? आपने अगर वो लिखना है तो आप जहनी खाका, आप लिख लें खाका या जहनी खाका की हेडिंग दे दें, आउटलाइन का काम करेगा जहनी खाका. मैम अगर हम हर टॉपिक को जनरलाइज करके नोट्स बनाए, मीन्स उर्दू की, उर्दू अदब की इत्तेका का जनरलाइज करके लिखें. स्टूडेंट गेट ऊपर चला गया क्वेश्चन. यार सॉरी, ये नीचे पेस्ट करना जो आप जनरलाइज वाला क्वेश्चन था, ये पेस्ट कर दें जरा नीचे. हासिल कलाम में क्या लिखना होता है? ओके, हासिल कलाम की हेडिंग दी आपने, उसमें अपना ओपिनियन के
कंक्लूड करना है, आपने फैज का पूरा तनकीदी जायजा लिखना है, यार मैं क्यों क्वेश्चन पढ़ लूं, इर्तिकाल को जनरलाइज करके लिखें तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, जनरलाइज वाला हासिल करना। यार आप लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा फैज के ऊपर, बात आई है, अपने फैज का तनकीदी जायजा लिख लिया, अब आप लास्ट हेडिंग लिख रहे हैं हासिल कलाम, तो आप उसमें लिखें कि जी फैज अहमद फैज की शायरी और इनका असलूब आज के शुरा के लिए भी मशल राह है, फॉर एग्जाम्पल, और फैज की शायरी हर जमाने की शायरी है जो गमे दौरा से लेकर गमे जाना तक आपको, क्योंकि फैज को आप टेक्निकली देखें ना तो फैज ना क्या प्यार मोहब्बत की बात करते करते ना उसके जहन का इस तरह की एक डायमेंशन है कि वो जैसे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो प्यार मोहब्बत की बात करते करते फिर वो आगे कहाँ चला जाता है कि अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म रेशम व अतलस के ख्वाब में बनवाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, उस तरफ चला जाता है, यानी कि अब फैज की ये डायमेंशन है। तो आप हासिल कलाम में ये लिखें कि फैज की शायरी आज भी जिंदा है और अपने इस असलूब की वजह से, जिस तरह फैज ने गमे जाना में गमे दौरा को एक जो मिक्स करके एक इम्तिजाज बनाया है, और ये वो अलगर्ज ये शायरी जो है हर लिहाज से एक जदीद शायरी और ये वो इससे मुताबिकत रखती है, ब्लाबला अपना एक फाइनल थॉट आपने देनी है, ये आपका हासिल कलाम है। ठीक है हासिल कलाम, अगर स्किल समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, आउटलाइन को फेहरिस्त भी नहीं, फेहरिस्त ना कहें आप, फेहरिस्त किस चीज की है, लिस्ट तो नहीं है ना, ये एक आउटलाइन है, एक खाका है आपके सवाल का, आप खाका लिखें उसको या ज़हनी खाका लिखें, ये इससे अच्छा वर्ड को मेरे जहन में आता है तो मैं बता दूं, लेकिन मैं तो ये लिखती आई हूँ एग्जाम में, खाका या ज़हनी खाका। फेहरिस्त ना एक लिस्ट में आ जाएगा, तो आप कोई लिस्ट तो नहीं दे रहे हो ना, थोड़ा सा एक खाका सा दे रहे हो, अपना एक पैटर्न बता रहे हो अपना क्वेश्चन करने का। हाँ अगर जनरलाइज करके नोट्स बनाएं हम तो उर्दू अदब के इर्तिका को जनरलाइज करके लिखें तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब हम जनरलाइज देखें, उर्दू अदब का इर्तिका जो है, उर्दू अदब की एक टाइमलाइन है यार, अगर आप लोग इसे टाइमलाइन बना दो तो वो भी कितना अच्छा रहेगा, अगर आपको उर्दू अदब का इर्तिका आता है तो जैसे एक चार्ट सा बनाते हैं कि आप लिख लो कि 1800 ये चल रहा है, उसका नाम हिंदवी है, फिर आगे आके रेख्ता है, फिर आगे आके इस तरह से एक चार्ट बना ले आप उसमें, और जनरलाइज आप कितना कर सकते हो, आपको स्पेसिफिक चीजें तो लिखनी पड़ेंगी। आई डिडंट गेट कि जनरलाइज, हाँ जनरल लैंग्वेज यूज कर लें, जनरल जनरल आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता तो वो लिख लें, लेकिन इर्तिकाम में ना आपको एवोल्यूशन में आपको कुछ टाइमलाइन तो याद रखनी पड़ती है ना, वो तो आपको रखनी पड़ेगी। आउटलाइन रफ पेज पे लिखना है क्या यार, आप लोग आउटलाइन से ना इसको एक्चुअली आउटलाइन को कंफ्यूज कर रहे हैं गाइस, आई थिंक मैं आपको दोबारा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, आई थिंक मैं क्लियर नहीं कर पाई यार, आप लोगों को 7 सवाल आ रहे हैं ना, आप 7 सवालों का, दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, दिस इज वट आई हैव बीन डूइंग इन माई एग्जाम्स एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो आप लोग 7 सवाल पेपर में आ रहे हैं, आप 7 सवालों की मेन पेपर पर हेडिंग बनाएं, रफ में नहीं, फैज अहमद फैज की गजल का तनकीदी जायजा लें। मैं अटेम्प्ट करने लगी हूँ, मैंने लिखा सवाल नंबर 1 फैज अहमद फैज की गजल का तनकीदी जायजा लें, ज़हनी खाका, तारुफ, ये फैज की शख्सियत, क्योंकि शख्सियत तो शायरी जुदा जुदा नहीं होते, शख्सियत ला ब्ला 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 हासिल कलाम, उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिखना शुरू किया 3 पेजेस में वाइंड अप करते। अगला आया सीरतुन्नबी का तनकीदी जायजा लें, मैं लिखूंगी सवाल नंबर 2 सीरतुन्नबी तनकीदी जायजा, ज़हनी खाका, तारुफ, ये शिबली नुमानी, ये पस मंजर, अगर कुछ बैकग्राउंड में कोई बात है मेरे पास बताने के लिए, किताब, किताब का ये, किताब की कितनी जिल्दें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, हासिल कलाम, ये मेन उसके ऊपर, ठीक है, आउटलाइन ये, यार सुर्खियां भी, सुर्खी इज हेडिंग, सुर्खियां नहीं, नॉट रिकमेंडेड सुर्खियां भी, मैं ज्यादा रिजिड तो नहीं हो रही हूँ। अच्छा चले आप कोई भी वर्ड लिख लें, बट फॉर माई सेल्फ अगर मैं अभी भी लिखूं, आज भी पेपर अटेम्प्ट करूं, तो मैं ये लिखूंगी ज़हनी खाका, क्योंकि ज़हनी खाका उसको बताएगा कि दिस इज द आउटलाइन ऑफ अ थिंग यू आर गोइंग टू राइट। सुर्खियां तो ये आप खबरें देने लगे हो तो आप उसकी सुर्खियां हैं, तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि यार ज़हनी खाका, ज़हनी खाका, और आगे वो डाला कॉलन और नीचे आपने अपने लिख लिया। हर क्वेश्चन में ये मैं आपको बता रही हूँ, इससे अगर आप थोड़े से आप एक्स्ट्रा मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप हर एक में ज़हनी खाका हर क्वेश्चन में लिखें तो। यार मैं तो ये पाकिस्तान अफेयर्स में और करंट अफेयर्स में भी करती थी। मैम 2 मंथ्स में उर्दू के नोट्स बना सकते हैं हर टॉपिक के लिए, जिस तरह से हम बाकी सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं। 2 महीने में नहीं, आप लोग यार 2 हफ्ते में भी बना सकते हो,
very easy. दो हफ्ते में. एंड आई प्रॉमिस अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, एक्चुअली हम लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है और बहुत एक्टिविटीज हैं, वरना ये तो सीरियसली एक हफ्ते का काम है. मेरे पास किताब नहीं पड़ी हुई डॉक्टर सलीम अख्तर वाली, वरना मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये तारीख लिसानी असरात ये तो क्यों पढ़ा और क्यों बना लिए. तो ये दो हफ्ते का काम है, दो महीने बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास. सयाको सबाक की तशरीह करनी होती है, वो उसी पैराग्राफ की करनी होती है. काइंडली इसमें देखें, आपको एक पैराग्राफ आया और आपने इसकी तशरीह करनी है. आप किताब का नाम यानी तसनीफ, मुसनिफ का नाम, और फिर से आपको सबाक लिखेंगे, बिल्कुल थोड़ा 4-5 लाइन्स का जनरल सा लिखती है. तशरीह आपने पैराग्राफ की करनी है. तशरीह तो आप मेन पैराग्राफ की करेंगे ना, जो आपने डिटेल से पैराग्राफ के बारे में. और जाहिर है पैराग्राफ छोटा सा होता है, आप कितनी लंबी बातें लिख सकते हो. तो इधर उधर से घुमा फिरा के किताब की बातें भी अंदर डाल दें उसमें. लेकिन सयाको सबाक का बस इतना सा रोल है कि आपने बताना है कि यार इस किताब में ओवरऑल क्या होता है, इसके आगे पीछे क्या आता है. दैट्स इट. नहीं, मुझे बिल्कुल इशू नहीं है. इट्स नॉट अवर मदर टंग, बिल्कुल भी. जाहिर है मेरी मदर टंग भी पंजाबी है, लेकिन जाहिर है कि उर्दू के साथ एक वो है. और मैं ऑनेस्टली आप लोगों को उर्दू के बारे में कोई भी बात बता रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी ना वो एक जजिंग फेज में नहीं हूँ कि यार उर्दू तो इनकी अपनी जुबान है, वाई डोंट दे नो अबाउट इट. आई टोटली अंडरस्टैंड. मेरे भी जो छोटे बहन भाई हैं, दे आर नॉट सो गुड एट इट, बिकॉज हमारा एजुकेशनल सिस्टम टोटली फ्लॉड है और उर्दू पे जो फोकस है वो हम लोगों को पता है, कोई भी सब्जेक्ट हम उर्दू में पढ़ते ही नहीं है. तो दिस इज टोटली अंडरस्टैंडेबल. यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. 5:24 हुआ है और हम 10-12 मिनट और क्वेश्चंस ले सकते हैं. अगर कुछ भी आपके जहन में आ रहा है तो आप लोग मुझे बताएं. मैंने कुछ क्वेश्चंस जाहिर है ऊपर मिस किए हैं चैट में से, क्योंकि वो इतनी ऊपर चली जाती है, आप लोग ज्यादा हैं. तो आप लोग प्लीज अपना ना क्वेश्चन अगर कुछ भी इस तरह का है आप नीचे और 2-3 मिनट में देख लेते हैं. देयर इज एनी फर्दर क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स में लिख लें. अच्छा, जल्दी से मैं कंक्लूड थोड़ा सा कर लूँ कि यार आप लोगों को जो मैंने लिंक्स दिए हैं तो वो आप जरूर देख लीजिएगा. जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं वो उन टर्म्स को आप लोग जरूर देख लीजिएगा. वासित आपके साथ जो भी आप लोगों का मीन है कॉन्टेक्ट का, आप उनसे कहिएगा कि वो प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर लें. उसमें कुछ नहीं तो आपको 2 लिंक्स और वो जरूर मिल जाएगा आपको कि आपने टर्म्स क्या जरूर यूज करनी है, जदीदियत, माँ बा, सवाने, उमड़ी वगैरह. क्या क्या क्वेश्चन हैं? इक्तिबास की तशरी में इक्तिबास को रिफ्रेस करके लिख सकते हैं अगर कॉन्टेंट कम पड़ जाए. यार तशरीह करनी है, अगर घूम फिर के वही बात लिख रहे होगे ना, एग्जामिनर पे बुरा इंप्रेशन एक पड़ेगा. आप उसको जितना भी रिफ्रेस करें ना, उसको पता होगा कि यार ये उसी को घुमा फिर आके लिख रहे हैं. या उधर से कहीं और निकल जाए थोड़ा सा, उसमें कोई तो ऐसी बात होगी जिससे आपको कोई और बात याद आ जाए, उधर 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 निकल के वापिस उधर आ जाएंगे. थोड़ी सी चलाकी कर लें, कहानियां लिखें लेकिन ऐसे लगे कि कनेक्टेड कहानियां हैं. ये तो स्मार्ट वर्क है, यही चलाकी है, ये थोड़ा सा ट्राई कर लें. अच्छा नाइस, ये इम्तियाज ने क्वेश्चन पूछा है. हाँ, उसको एग्जैक्ट यार रिफ्रेश करके नहीं लिख देना, वो एग्जामिनर भी इतना मासूम नहीं है, उसको यही पता चल जाएगा कि ये अच्छा से आ. बाकी ठीक है, आई थिंक के देयर ये क्या क्वेश्चन है यार, एक तो चैट जो है ना. मैम, शैल वी अटेम्प्ट उर्दू एसे फर्स्ट और बहुत लिखना होता है, बहुत ज्यादा लेंथ क्रिएट करनी होती है. तो स्पीड आप लोग जो है ना अपनी वो तेज रखें, ऐसे कहीं भी लिख लें दरमियान में भी, ये डजंट मैटर. ओके 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 ओके, लेट मी अनम्यूट यू. यार मैं ना एक्चुअली चैट और वो बाकी सबको ऐड करने के चक्रों में ना, मैं बस एक मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ. अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम?
आवाज पहुंच रही आप तक? आवाज नहीं आ रही। आपको आ रही आवाज मेरी? मैडम एक सेकंड मैं आपको फोन करता हूँ। आप लोग 2 मिनट वेट करें, मैडम रीज्वाइन करती हैं सेशन। उनके मेरे ख्याल से नेट में कोई इशू आ रहा है, तो वो अगर रीज्वाइन करती हैं होपफुली। I hope I can now hear you, Basit. अच्छा जी मैडम, आवाज आ रही मेरी अब आपको? Finally आ रही है। चलें जी, शुक्र, कुछ ना कुछ हो ही गया। अच्छा मैडम, ये तो सारी चीजें माशाल्लाह आपसे बड़े प्यारे तरीके से आपने सबको गाइडेंस दी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और होपफुली ये लोग इनको काफी हेल्प हुई भी होगी। तो अभी जो हमारे 15-20 मिनट रहते हैं उनमें से आप, चूंकि सिस्टम ठीक हो गया है, वॉइस पहुंच रही है आप तक, तो 2-4 क्वेश्चन इस तरह के भी ले लें जहाँ पे मतलब बच्चे इससे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन ये तो फिर वो पढ़ने लिखने वालों की बातें हैं ना मैडम, साथ साथ आपने थोड़े से अपने जो ताज़ा कलाम है वो भी तो सुनाने हैं ताकि वो मजीद मोटिवेट हों। हो सकता है क्या, बल्कि इनको करना चाहिए, कोट भी करना चाहिए पेपर्स में कि जी ये फरिया नकवी साहब के शेर हैं, तो काइंडली वो भी थोड़ा सा रंग डाल दें मैडम जी। मोटिवेशन तो इन लोगों को माशाल्लाह काफी है। मैं चैट में देख रही थी, वो कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ शेयर अंदर लिखे जा रहे हैं। मैंने कहा सही है भाई, चलो उर्दू का लेक्चर हो रहा है तो इतना तो चलता है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा तो आपने थोड़े से ना नए जो आपने भी ताजा कलाम जो लिखे हों वो भी साथ साथ शेयर करते रहे प्लीज।
चलो कराची आके गजल थी, मैं उसके कुछ शेर सुना देती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है दो लोगों ने जो हैंड रेस किया हुआ है ना, पहले इनका क्वेश्चन मैं ठीक ले है लूँ। ठीक है ठीक है, आप इजी होके चलाएं, ये आपके 20 मिनट आपके हैं, जिस तरह मर्जी आप। ठीक है ठीक थैंक यू। है। सो इसमें एक तो आप ही हैं, एक है ये लेनोवो डेस्कटॉप। ओके अच्छा नहीं, गाइस यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बिकॉज पहले कुछ इशू था, आई वाजंट एबल टू हियर यू। मुझे जरा आवाज आ रही है, तो ये नसीरा और ये जो है एक ओ आई थिंक बासित, अब मैं होस्ट नहीं हूँ तो मैं इनको अनम्यूट नहीं कर सकती, या तो आप मुझे होस्ट जी, बना दें या मैं अनम्यूट। कर रहा हूँ, साथ साथ कर रहा हूँ, आप जिनका नाम लेंगे मैं उनको यहाँ से। हाँ फिर या पहले जो लिनोवो डेस्कटॉप के नाम से है एक आईडी, इनको आप कर दें अनम्यूट, उसके बाद नसीरा को कर दें। इनको कर दिया मैंने, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करे आगे से, ओके लिनोवो वाले हजरत। नासिरा को भी, हाँ नासिरा मैडम बोल रहे हैं आप, अनम्यूट मैम, कर। हेलो जी, यू आर ऑडिबल सलाम फाइनली, वेलकम सलाम। मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा हमें गाइडलाइन दी है, और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे मैम पहले कि हम स्टार्ट कहाँ से ले लें, ये सारा आज हमें पता चला। थैंक यू सर बासित का भी, जिन्होंने आप हमें एज रिसोर्स पर्सन प्रोवाइड किया, तो मैम बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ ये सेशन अटेंड करके। और ये कि मैम थोड़ा ये इसमें कंफ्यूजन होती है मैम कि अगर हम अभी स्टार्ट ले ले, जैसा कि हमारे पास सिलेबस ये पूरा है, मतलब टाइम भी इतना नहीं है मैम जितने कि हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सारा कुछ CSS के सिलेबस इन्होंने हमें दी हुई है। तो मैम मैं चाह रही हूँ, मतलब उर्दू की स्टार्टिंग तो हम, मतलब फर्स्ट टाइम हमारा है ये, तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम स्टार्टिंग कहाँ से ले, मतलब मैम कि मजमून से हम करें प्रैक्टिस अपना, या मतलब पोइट्री सेशन से करें, और ग्रामेटिकली भी मैम इसका भी थोड़ा बता दें, क्योंकि ग्रामेटिकली बहुत इश्यूज होते हैं। ठीक है नसीरा, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स एंड योर क्वेश्चन। यार यूं है कि इसमें एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि यार ग्रामेटिकल वाला आप लोग पार्ट जरा देख लो खुद, उसमें यही है कि मुझे तो ये लगता है जितना पढ़ो उतना ग्रामेटिकली आप ठीक होते जाते हो, तो थोड़ा सा ये है कि रीडिंग, और दूसरा ये है कि आई नो आप लोगों को यार उर्दू का वाकई एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके लिए यही हो सकता है कि मैं खींच तान के अपनी रूटीन को एक टाइम निकालती हूँ, और जो 10 से 12 टॉपिक्स है ना उसकी हेडिंग्स मैं आप लोगों को बना देती हूँ, आप लोग बस हेडिंग्स को याद कर लो, और उसके अंदर थोड़ा बहुत एक और सेशन रख लेते हैं जिसमें टॉपिक वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे कि इस हेडिंग में आपने ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, ताकि आप लोगों की ना 50 to 60% तैयारी यहीं पे हो जाए। ये तो मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, बाकी ये कि मैं आप लोगों को ना कोई ऐसा और शॉर्टकट नहीं दे सकती जिसमें आप लोग किताब को पढ़ के एकदम, अब ये देखिए ना अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे मुझे अपना पता है कि मैं अभी ये किताब कोई भी पकड़ूंगी तो मैं एक हफ्ते का खुद को टाइम दूंगी तो मैंने अपने नोट्स बना के रख लूंगी, लेकिन आई डू अंडरस्टैंड आप लोगों में बाकी सब्जेक्ट्स का इतना ज्यादा बर्डन है, और इतने मुश्किल टेक्निकल कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल नए हैं जो ऑप्ट कर लिए हैं, तो वो भी आप लोगों ने करने हैं, उसके लिए यही है कि मैं खुद ही ये 8 से 10 टॉपिक्स निकाल के उनकी हेडिंग्स बना के, इसी तरह हर स्लाइड में ना आपको हेडिंग बना बना के, कि जो मैं आउटलाइन कह रही हूँ वो कैसे बनेगी वो बना के दे दूंगी, यार वही हेडिंग उधर छाप देना, अंदर अपनी थोड़ी स्टोरीज लिख देना जो थोड़ी मैंने बताई होंगी उनको मिक्स करके लिख देना, इंशाल्लाह अच्छे वाले मार्क्स आ जाएंगे, आई एम मोर देन श्योर। और बार बार अगर मैं इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ ना तो देर इज अ रीजन कि आप लोगों ने अपने पेपर को डेकोरेट करके सजा के अच्छा प्रेजेंट करके पेश करना है, तो अंदर लिखा हुआ कवर हो जाएगा सामने, तो ये ओवरऑल है। बाकी उसके बाद जो रिहान आसिम, नाइस यू आर ऑलवेज वेलकम, जो रिहान आसिम है इनको भी अनम्यूट कर दें बासित। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मैं बहुत ही ज्यादा शुक्र अदा करना चाहूंगा अल्लाह का कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम न सिर्फ अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, एंड सर बासित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आई हैव बेसिकली टू क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज अबाउट, जब हम सवाल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ सवाल नंबर वन, तो जो लाइन ड्रॉ पहले से हुई होती है उससे पहले हमें सवाल नंबर वन लिखना चाहिए या फिर लाइन के बाद
जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ, एक तो ये सवाल था. और सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक पूरा सेंटेंस लिखते हैं उर्दू में, फिर बाद में हमें याद आता है कि हमें ये नहीं लिखना चाहिए था, या फिर कोई मिस्टेक होती है तो हम फौरन से काट देते हैं उस पूरे सेंटेंस को उर्दू में, तो फिर वो उससे पेपर का जो एक जो खूबसूरती होती है उसमें थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ता है. तो उसके लिए क्या करें, कोई ब्लैंको इस्तेमाल करें या फिर उसको ना काटें बल्कि उसको थोड़ा सा क्रॉस लगा दें, तो इस तरह थोड़ा सा समझा दें. थैंक यू सो मच. अच्छा रिहान, ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन बट आई एम ग्लैड कि ये आपने पूछे. देखिए पहली बात ये कि ऊपर वाली लाइन को तो भूल जाएं, वो है ही जो एक मेन ज्यादा स्पेस होती है, आप उसकी बात कर रहे थे ना, ब्रॉडर स्पेस, उसको भूल जाएं, उसको कुछ ना लिखें. जो नीचे वाली लाइन है ना, आपका पेपर वहां से शुरू हो रहा है, आपका पेज, आप वहां से लिखें सवाल नंबर एक. ऊपर वाले ब्रॉडर एरिया को भूल जाएं, वो है ही, नीचे से लिखना है. ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन था हाँ कटिंग वाला. यार ये ब्लैंको इंक रिमूवर क्या क्या होता है, ये सब बकवास है, ये मजीद गंदा बनाता है. कोई जरूरत नहीं है किसी भी किस्म के एग्जाम में कभी भी ये सब यूज करने की. थोड़ा सा मेंटली अलर्ट रहे, लेकिन मतलब मैं तो एक वैसे ही वाइब राइटर हूँ, वाइब दिमाग राइटर हूँ, तो वो वाला इम्पैक्ट मेरे पेपर में भी आता है. अक्सर मुझे ऐसे फील होता है यार ये तो मुझे लिखना ही था, अक्सर मेरे जेहन में कुछ और चल रहा होता है, मैं वो भी लिख जाती हूँ. मतलब मैं एग्जाम में इतनी गलतियां करती हूँ. तो मैं फर्स्टली तो ये करती हूँ के लिख लिया है ना, मैं कोशिश करती हूँ मैं काटू ना कहीं से बना लूँ उसका कि हाँ मैंने यही लिखना था, ठीक है. लेकिन अगर चलो बहुत ही ज्यादा कुछ फिजूल बात लिख दी है जो बिल्कुल लिखना नहीं बनती और वो आपने इसको काटना है, तो यार इससे ज्यादा बेहतर तरीका कोई नहीं है कि एक सिंपल लाइन लगा दें, दैट्स इट. ये ब्लैंक हो, ये सब ये फिजूल तरीन चीज है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना, ये कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं है. आपने बस एक लाइन लगाई और आगे उसको कंटिन्यू करिए और लिखते करो बस. हाँ ट्राई टू मेक योर पेपर नीट एंड नीट एंड नीटर इवन, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो बस एक लाइन लगा दिए कर दिया, कुछ नहीं होता, कोई कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है. कटिंग शर्टिंग इट्स नेचुरल होता है, वो होगा, कोई जरूरत नहीं ब्लैंक हो इंक रिमूवर, ये बस कटिंग करें. अच्छा थैंक यू सो मच मैम. बस ठीक है, लेफ्ट एंड जो लेफ्ट राइट पे जो हम लोग लाइन खींचते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था, जो पहला क्वेश्चन था उसके हवाले से. लेफ्ट एंड जो राइट साइड होती है जब लाइन हम खींचते हैं, तो उनके अंदर हमें लिखना होगा या फिर सवाल नंबर और जवाब नंबर की जो पॉइंट्स होते हैं वो लाइन से पहले लिखने हैं, ये पूछना था. मैडम का कनेक्शन लॉस्ट हुआ है मेरे ख्याल से, तो आप दो मिनट वेट करें, मैडम ज्वाइन बैक करती हैं. सॉरी एज यूजुअल आई गॉट डिस्कनेक्टेड. तो आई थिंक पता नहीं अभी मेरे पीछे क्या हुआ, शायद किसी ने आपको आंसर दे दिया कि नहीं, बट एक वन लाइनर यही है कि मार्जिन लाइन को ना बहुत कम पतला सा यू नो नैरो सा मार्जिन बनाएं और मार्जिन के बाहर लिखें. दिस इज व्हाट आई डू, मार्जिन में नहीं लिखें, मार्जिन लाइन नैरो से होनी, कि आधे पेपर में मार्जिन लाइन लाइन, तो वो मार्जिन बहुत नैरो से हूँ. और वैसे तो मैं मार्जिन लाइंस भी नहीं लगाती थी, शायद एक तरफ लगाती हूँ. मार्जिन लाइन के बाहर लिखे सवाल नंबर एक वगैरह.
सो अच्छा, इसके अलावा कोई अगर फर्दर आप लोगों का क्वेश्चन होगा तो आई विल ट्राई टू कंडक्ट वन मोर सेशन, उसमें इंशाल्लाह हम लोग जो है इसको कर लेंगे। अभी के लिए बस ये है कि आई थिंक पौने दो घंटे हो गए और जाहिर है आप लोग भी थक चुके हैं, तो बस मैं दो तीन शेर सुनाकर और इस सेशन पे यहीं एंड करते हैं, और आप लोग अपनी तैयारी करें और विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो गजल है, उसके मैं आपको शेर सुनाती हूँ। उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें, उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें, अकेले रहने की आदत ही पड़ना चाहे हमें। उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें, अकेले रहने की आदत ही पड़ना चाहे हमें। अभी तो आंख में जलते हैं बेशुमार चराग, अभी तो आंख में जलते हैं बेशुमार चराग, हवाए हिजर जरा खुल के आजमाए हमें। अभी तो आंख में जलते हैं बेशुमार चराग, हवाए हिजर जरा खुल के आजमाए हमें। अजीब शहरे पुरिसरार में कयाम रहा, अजीब शहरे पुरिसरार में कयाम रहा, उड़ाए फिरते रहे वहशतों के साए हमें। हर एक की बात पे कहता नहीं है दिल लबैक, हर एक की बात पे कहता नहीं है दिल लबैक, पसंद आती नहीं हर किसी की राय हमें। हमारे दिल तो मिले आदतें नहीं मिलती, हमारे दिल तो मिले आदतें नहीं मिलती, उसे पसंद नहीं कॉफी और चाय हमें। हमारे दिल तो मिले आदतें नहीं मिलती, उसे पसंद नहीं कॉफी और चाय हमें। हमारा नाम तवज्जो जो खींच लेता था, हमारा नाम तवज्जो जो खींच लेता था, सो लोग अपनी कहानी में खींच लाए हमें। उछल उछल के कई शर पसंद पस्त दिमाग, उछल उछल के कई शर पसंद पस्त दिमाग, तड़प रहे हैं किसी तरह मुंह लगाए हमें। उसे कहो कि बहुत जल्द मिलने आए हमें, अकेले रहने की आदत ही पड़ना चाहे हमें। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बेयरिंग विद मी, और आई होप कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहे आपके लिए ये टिप्स एंड ऑल। नाउ ओवर टू बासित, बस आप कंक्लूड करें सेशन, और गुड लक आप लोगों के लिए, बहुत दुआएं, और बस अल्लाह करे आप सबकी तरफ से एग्जाम्स के बाद रिजल्ट वाले दिन अच्छी अच्छी न्यूज मिले। वेरी गुड लक टू यू एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। एक तो गजल बहुत बेहतरीन थी, और इसके अलावा बेहतरीन था। तो बस मैडम नेक्स्ट सेशन का आप यही करते हैं, इनसे फीडबैक लेते हैं, जो इनके इश्यूज अभी भी इनको लगता है कि ये अनएड्रेस्ड रहे हैं, तो वो मैं इनसे ना कलेक्ट करके तो आपसे मैं शेयर करूंगा, ताकि जो नेक्स्ट सेशन हो वो इसी चीज़ के ऊपर हो, तो इनके मजीद इश्यूज खत्म हो। और उसके अलावा वो जो लिंक्स का मैडम ने जो चीज़ें कही भी हैं वो मुझे मिलेंगी, तो मैं जो ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे चार व्हाट्सएप, उसमें मैं शेयर करूंगा। तो बस थैंक यू सो मच मैडम, और तमाम तर जो हमारे एस्पायरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए भी गुड लक। आप लोग बस मेहनत कोशिश करें, बाकी अल्लाह के हाथ में। तो बस एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।